90 जिराफ के अंदर में जो सेक्स होता है वो होता है ब्रेन के आउटर लेयर्स में इंजेक्शन डालते डालते थे थे फ्लूइड बहुत समलेंगे ताकि हमें मालूम पड़े कि कुछ ब्रेन में ट्यूमर है आप डॉक्टर के पास गए आप आप डॉक्टर से बोल रहे हैं कि देखिए भाई आज जो है थोड़ा सा मूड खराब है थोड़ा सा डिप्रेशन लग रहा है अरे कुछ नहीं है नाक में एक सुहा डालेंगे तो हम घुमाएंगे तुम्हारा फ्रंटल लोग को निकालेंगे तुम सही अगर मान लीजिए हम ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बना ले जो रैंडम मूवमेंट करता हो रैंडमली किसी एक डायरेक्शन में जाता हो तो क्या वो अवेयर है हमारा बनाया हुआ इंस्ट्रूमेंट ये सवाल किससे पूछा जाना है भैंसे पूछा जाना है एज अ गॉड द गॉड कॉन्शियसनेस में द अवेयरनेस मल्टीप्लाइज लाइक बिलियन टाइम्स और जो एक छोटा बच्चा है उसका कॉन्शियसनेस सिर्फ उसी चीजों में लिमिटेड होगा बच्चा है बच्चे को हम बेसिक टेस्ट करते हैं कि उसके गाल पे आप बिंदी लगा दीजिए और शीशे के सामने खड़ा कर दीजिए

पच्चीस हजार करोड़ की कट टू टू ट्वेंटी फोर इस वक्त आप वो दो डॉलर में करा सकते हैं नाइनटी नाइन डॉलर में करा सकते हैं आपको इस पे अंकित जी कुछ ऐड हाँ दो पॉइंट मतलब सर वाला एक तो वो डबल क्लिक करेंगे डबल क्लिक करेंगे, <laughs> करेंगे। <laughs> सभी जिज्ञासुओं का शिक्षण द्वारा आयोजित स्ट्राइकिंग थॉट्स पर स्वागत है साथियों महर्षि पतंजलि जी ने अपने योग सूत्र में एक सूत्र बोला है कि दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्धो अपनी प्रत्यय अनुपश्य यानी कि जो हमारी आत्मा है जो चेतना है जो कॉन्शियसनेस है वो शुद्ध है वो गुण रहित है लेकिन फिर भी चित्त जैसा उसको दिखाता है माइंड जैसा उसको दिखाता है उस रंग में रंगी होती है अभी जो थॉट है इस थाट को अगर हम समझने का प्रयास करें तो आप इसको प्रकाश से समझ सकते हैं यानी लाइट से समझ सकते हैं हम लाइट को नहीं देख सकते लेकिन जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो ना केवल वो ऑब्जेक्ट को रिवील करती है बल्कि खुद को भी रिवील करती है तो ऐसी हमारी कॉन्शियसनेस है कि जब हमें ऑब्जेक्ट दिखता है तो ऑब्जेक्ट तो रिवील हो ही रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट के रिवील होने से हमें पता चलता है कि हमारे पास कॉन्शियसनेस भी है तो इसीलिए एपिसोड बहुत खास होने वाला है हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं दो बायोलॉजी के एक्सपर्ट्स मेरे लेफ्ट में हैं अंकित जी और अंकित जी ने बायो मेडिकल साइंसेज से दिल्ली यूनिवर्सिटी से बी ऑनर्स किया है उसके बाद इन्होंने आई मोहाली से एम किया और ये फिर अन और वेदांतों में एक्स एजुकेटर रहे हैं करंट में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बायोशाला से बहुत ढेर सारी चीज़ों पर केवल बायोलॉजी पर ही नहीं बल्कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक पहलू पर रैशनैलिटी से अपने व्यूज़ रखते हैं तो आपका स्वागत है अंकित जी साथ में हमारे साथ डॉक्टर संतोष जी हैं मुंबई से और भारत के वन ऑफ़ दी प्रस्टिजियस हॉस्पिटल्स हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में कंसल्टेंट न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट हैं साथ में अमेरिका के बहुत से टॉप प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में इन्होंने फेलोशिप भी की है और इनकी यात्रा यहीं नहीं रुकती जितना ये साइंस के मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं ये वेदांत के भी हमारी वेदांत फिलॉसफी के पिछले दस सालों से छात्र भी रहे हैं और वेदांत को फॉलो करते हैं साथ में इनका नाम मित्र भी है जो इनके मैत्री दादाश्री जी ने दिया है तो आध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आज इसलिए खास हो जाता है ये एपिसोड कि हमारे साथ साइंस की फील्ड के एक्सपर्ट्स जो कि बायोलॉजी में जो हमारी ह्यूमन इनाटमी को ह्यूमन बायोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं और जो हमारा थॉट प्रोसेस है फिलॉसफी में कैसे कनेक्ट होता है हम इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आप दोनों का स्वागत है अंकित जी और संतोष जी मेरा सौभाग्य कि मैं जोड़ पाया आप दोनों को एक समय पर और सबसे अच्छी बात इस पॉडकास्ट की यह है कि हम खेल खेल में बहुत जो डीप टॉपिक्स होते हैं जो बहुत हम ऐसे टॉपिक्स ऐसे विषय जो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और हमारी ऑडियंस भी उसको लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है कि ये चीज़ें हमें पता चले तो हम खेल खेल में ये चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे आप दोनों से और आ, मैंने इस पॉडकास्ट को कई डोमेन्स में विभक्त किया है जिसमें हम अलग अलग जो चीज़ें हैं कॉन्शियसनेस है हमारी बॉडी माइंड का जो कनेक्शन है उसके साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ है या फिर बहुत से ऐसे बायोलॉजी के थ्रू जो हम चीज़ें समझ सकते हैं उन चीज़ों पर जानने का प्रयास करेंगे आप दोनों से तो गेम पहले स्टार्ट करेंगे <laughs> और मैं मतलब ये कर रहा कि 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 आप आप लोग पहले पहले खेले खेले क्योंकि being an Indian, हमने बचपन हाँ। में कभी न कभी तो खेला होगा मैं आपसे जानना आप हैं कि बस जस्ट आपको लगा चलिए कुछ बायो से रिलेटेड बात करनी है मेडिकल साइंस से तो मेरे लिए सही है बाकी मैं संभाल लूंगा हाँ। तो बहुत पहले बचपन में खेले हुए हैं मगर अभी तो काफी बहुत साल हो गए खेले नहीं है पर जानते, देखते हैं कैसे वो देखें ना आपके जो आइडिया है गेमिंग का भी वो हैं ना हाँ हाँ। तो आप हंसते हैं जानवर या तो पूछ हिलाते हुए प्रैक्टिस है, है वो आती ही वहीं से है कि किस तरीके से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं किसी सीरियस चीज की जाने अनजाने में आप देखें तो आप भी वही कर रहे हैं कि हम बात बहुत सीरियस करेंगे लेकिन कुछ समझ जाए लेकिन क्या है कि बहुत लाइट हार्टेड एक डिस्कशन हो जाए और बहुत से ऐसे भी व्यूज होंगे जिसमें आप दोनों के हो सकता है मत मिले भी नहीं, नहीं।, नहीं। yes. तो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि आफ्टर दिस पॉडकास्ट आप दोनों एक अच्छे दोस्त भी बन गए वो बन चुके हैं ऑलरेडी <laughs> बन चुके हैं <laughs> <laughs> तो वो है पहले स्टार्ट किससे क्योंकि रूल मुझे बताने हैं क्या कुछ नहीं मतलब आई डोंट थिंक सो हाँ वो नॉर्मल इंडियन, इंडियन रूल्स बस ये, ये पीछे नहीं मारना है वो मोटे से वो वाला मैंने ब्लॉक कर रखा है बाकी नॉर्मल इंडियन रूल्स हैं आ, और हमारा कुछ इसमें फ़िक्स पॉइंट मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि आपको वाइट ही मारना आपको ब्लैक मारना या मुझे नॉर्मल ट्वेंटी टेन पॉइंट्स लेंगे क्वीन के लिए एक हमें एक्स्ट्रा पॉकेट करनी पड़ेगी सेम राउंड में और आ, ऐसे चल लेंगे ठीक तो अभी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के लिए आ, पहले तो मैं ये करता हूँ कि जो ज़्यादा दूर से आया है वो <laughs> कर ले आज कर लेते हैं जो ज्यादा पास से आया है अंकित <laughs> तो, जी हाँ आप स्टार्ट ठीक है अंकित जी आप स्टार्ट करिए चल फोड़ दीजिए चलिए डन बढ़िया है तो गेम हम स्टार्ट कर चुके हैं और जो हमारा कॉन्वर्सेशन है उसमें मैं सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मतलब मुझे लग रहा है कि फेवरेट टॉपिक है जब हम स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमन साइंस को खासकर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो जहाँ पे जैसे जब हम क्वांटम फिज़िक्स या फिर मैटर की बात करते हैं तो हमें क्वांटम फिज़िक्स दिखती है जहाँ पर साइंस को वापस स्पिरिचुअलिटी की तरफ़ देखना पड़ा एक बार लेकिन जब हम बायोलॉजी देखते हैं या फिर ह्यूमन बॉडी की साइंस देखते हैं तो एक कॉन्शियसनेस एक ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट आज फिलॉसफी की तरफ बढ़ चुके हैं केवल हार्ड कोर साइंटिस्ट जो जो हर चीज़ को रिडक्शनिस्ट वे में देखते हैं कि कॉन्शियसनेस को हम ब्रेन से समझा देंगे आ, ऐसे लोग हैं अभी भी लेकिन बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कन्वर्ट हो चुके हैं कि, कि अब हम फिलॉसफी में भी कुछ खोजते हैं तो जब कॉन्शियसनेस की बात आती है मैं पहले से ही ये मन बना के बैठा था कि आप दोनों से पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आप कॉन्शियसनेस को कैसे देखते हैं मतलब पहले जी, आप के लिए क्या हाँ, है? लेकिन ये तो मतलब मांगने की कोशिश कर रहे हैं तो बट फिर भी हाँ, अगर मेरे को बोलना ही पड़े तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस की उसमें मैं डालूंगा इसको कि हर एक व्यक्ति विशेष का जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है वो उसके कॉन्शियसनेस को उसका बेसिकली अगर एक शब्द में बोला जाए बट जाहिर सी बात है कि वो अगर आप निकलेंगे तो जैसे मैं एक शब्द में इसलिए कह रहा हूँ अगर अगर मैं फ़िलोसफिकली या वेदांत या वैदिक थाट देखूँ तो बहुत से थाट्स हैं कॉन्शियसनेस पे लेकिन जो एक थाट है जो सबसे बेसिक ये बोला जाता है कि नेति नेति वाला जो दिख रहा है ये तो कॉन्शियस कॉन्शियसनेस नहीं है मतलब जो भी हम अनुभव कर सकते हैं जो भी हमें दिख रहा है जो हम परसीव कर रहे हैं एटलीस्ट ये कॉन्शियसनेस नहीं है और एक निगेटिव डेफिनेशन है ये कि ये दिख रहा है ये दिख रहा है ये अनुभव हो रहा है मुझे ये फील हो सकता है इसलिए ये सब चीज़ें कॉन्शियसनेस नहीं है क्योंकि ये तो कॉन्शियसनेस का कॉन्टेंट है ये कॉन्शियसनेस का एक ऑब्जेक्ट है मतलब इस तरह से वेदांत में बोलते हैं इसलिए कॉन्शियसनेस को फिर अलग रखा है और आप एज अ न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट आप कैसे कॉन्शियसनेस को देखते हैं सर ये uh, एक्चुअली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड uh, क्वेश्चन है <laughs> जिसका मैं ये कहूँगा कि डिपेंड्स uh, अपॉन आप uh, किस फिलोसफी को फॉलो कर रहे हैं hmm. और किस नज़रिए से देख रहे हैं तो एज अ लाइक फ्रॉम न्यूरो साइंस परस्पेक्टिव देर इज अ एक रिसर्च किया गया है न्यूरल कोरलेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस जब हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं उसके न्यूरल कोरलेट्स क्या होते हैं ब्रेन के अंदर hmm. कैसे उसको हम दिखला सकते हैं uh, सबसे सिंपल चीज कॉन्शियसनेस शब्द कहाँ से आया है कॉन्शियसनेस का मतलब कॉन्शियस कॉन्शियस यानी कॉन्शियस का मतलब क्या होगा अवेयर तो सबसे इंपॉर्टेंट बहुत सिंपल तरीके से समझना है अवेयरनेस hmm. आपका अवेयरनेस क्या है और इसको हम हमारे जो वर्ल्ड में देखते हुए और आंतरिक जो स्थिति होती है उसमें देखते हुए अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं तो पहले मैं एब्सोल्यूट बताता हूं जो वेदांत का अंडरस्टैंडिंग है तो उसमें बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से समझाया गया है मांडव के अगर आपने पढ़ी होगी मांडव के में सिर्फ ओम के बारे में बारह मंत्र ओम के ही बारे में है तो उसमें अ उम ओम, तीन शब्दों से बना हुआ है और एक स्थिति होती है अ उ और म के जैसे हम तुरिया स्थिति कहते हैं तुरियम तुरियम इज द फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस तो भी मैं इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगा अ और मौ इससे हम निकल के हमारी तीन स्थिति होती है एक अभी हम यहाँ पे कैरम खेल रहे हैं हाँ। एक दूसरे से बात कर रहे हैं वी आर इन अ अवेक स्टेट जो हम वर्ल्ड को देख पा रहे हैं हमारी जो पांच इंद्रियां हैं उससे हम सब जो कुछ भी कर रहे हैं सो दिस इज अवेक स्टेट फिर हम सोते हैं रात को सोते हैं तो जब सोते हैं तो उस समय हमें ड्रीम्स आती हैं एक टाइम आता है ड्रीम्स आती हैं तो वो एक स्थिति हो गई फिर एक स्टेट ऐसा आता है जिसे डीप स्लीप कहते हैं में जो ये डीप स्लीप की स्टेट में आप अपने बॉडी से अलग हो जाते आपको पता नहीं होता है उसमें क्या, क्या हुआ पूरा अवेयरनेस चला जाता है राइट और ये जो तीनों स्थिति होती है जब आप उठते हैं सो के उठते हैं तो आप क्या कहते हैं आई एम बिकम अवेयर मैं पहले तो ये अवेयर हूँ जिंदा हूं आई एम ब्रीदिंग तो ये बहुत एकदम मतलब मिली सेकेंड्स में होता है यू आर जस्ट अवेयर दैट यू हैव अप

अच्छा उस स्टैंड पर डिपेंड करता है अभी आज का ही अभी हम एपिसोड जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं यहां कैरम खेल रहे हैं अगर यही गेम हमें पता है कि हमें पॉडकास्ट की कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करना है साथ में कैरम का गेम खेलना है इसमें हमारा जो अवेयरनेस है इसमें गेम में ज्यादा नहीं है अगर I'm यही गेम so हम किसी और को बैठा के बोलते हैं कि आपको पैसा मिलने वाला है सो so, उनका पूरा फोकस जो है कैसे जीते इस गेम को तो फोकस फुल अवेयरनेस फुल कॉन्शियसनेस विल गो इन दैट गेम तो वो कॉन्शियसनेस हो गया बट जो एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस की हम जो बात करते हैं उसके अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं एक तो मटेरियल कॉन्शियसनेस हो गया आपको सिर्फ यही ज्ञात है कि जो वर्ल्ड है जो हमें दिख रहा है जो सुम रहे हैं जो टेस्ट कर रहे हैं जो सुन रहे हैं या जो टच कर रहे हैं हाँ। जो पाँच हैं हमारी हाँ। वो कॉन्शियसनेस का पार्ट है इसके ऊपर एक कॉन्शियसनेस होता है जैसे कि आप अभी इस पॉडकास्ट के डायरेक्टर हैं आपका अवेयरनेस मेरे से बात करते करते बहुत सारी जगह पे होगा कैमरा मैन ठीक से कर कर रहा है कि नहीं काम नहीं कर रहा, नहीं, रहा है मैं नहीं मैं सोच रहा आ, अगर <laughs> मैं बाद में सोचूंगा मगर <laughs> आप जब भी शुरुआत की थी तब होगा चीजों पर कहीं ना कहीं पर आप ही कह रहे हैं इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के परे भी कुछ कॉन्शियस है जहाँ पे हमारी कॉन्शियसनेस का रीच नहीं है पांच इंद्रियों से जो कुछ कार्य करते हैं और जो हमारे मन से परसीव करते हैं ये भी कॉन्शियसनेस का पार्ट है और उसके ऊपर जो होता है जिसे हम चैतन्य कहते हैं चैतन्य जो है संस्कृत का जो डायरेक्ट कोरलेट होगा चैतन्य गॉड कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस डिवाइन डिवाइन कॉन्शियसनेस जो होगा डिवाइन कॉन्शियसनेस में सब कुछ इंक्लूड होगा तो so, मैं जो आपका एग्जाम्पल बता था डायरेक्टर का एज अ डायरेक्टर आपका अवेयरनेस बहुत सारी चीजों में अभी नहीं होगा बट इनडायरेक्टली होगा सो एज अ गॉड द गॉड कॉन्सियसनेस में अवेयरनेस

जब इस अनुभव में रहते हैं तब आपका कॉन्शियसनेस ग्रो होता है बहुत ब्यूटीफुली uh, मैं ये बताना चाहूंगा कि वेदांत में हमें कहा जाता था कि जो कुछ भी आपको लग रहा है कि ये मैंने समझ लिया तो वो आप समझे नहीं है जो नीति नीति प्रिंसिपल कह रहे हैं हाँ हाँ। तो जो चार महावाक्य है हाँ उसमें यही प्रिंसिपल है कि आपने जो समझा है वो है ही नहीं जो सत्य है अल्टीमेटली जब आप सत्य को महसूस करेंगे तो आप प्रश्न करना छोड़ देंगे सारा ज्ञान हो जाएगा डिवाइन डिवाइन कॉन्शियसनेस अब सो वो तो अगर हम उस डिवाइन कॉन्शियसनेस का अल्टीमेट लाइक like एक फाउंडेशन uh, बनाते हैं दैट इज द अल्टीमेट कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस डिवाइन गॉड कॉन्शियसनेस उस स्थिति में अगर आप रहेंगे तो आप एक्चुअली उसे डिस्क्राइब कर ही नहीं पाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है जो मैंने समझा है जितनी भी वेदांत की किताबें बीस तो सालों से जो मैं पढ़ते आ रहा हूँ कि आप उस स्थिति को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं शब्दों में डाल नहीं सकते ये अनुभव का ही होता है और जो कोई भी ट्राई करता है उसे घुमा फिरा के बात करेगा मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ वो एक अनुभव होता है उसमें से जो तुरिया तुरिया स्थिति स्थिति कहते हैं तुरिया में तुरिया। जो पहुंच गया तो उसे ना ये पूरा वर्ल्ड से डिटैच हो जाएगा वो व्यक्ति इस वर्ल्ड का पार्ट रहते हुए उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इट्स लाइक अ मूवी आप मूवी में अगर एक्टिंग कर रहे हैं यू विल डू योर रोल टू योर बेस्ट ऑफ द एबिलिटी बट मूवी में आपका मर्डर हो जाएगा आपको कुछ फर्क पड़ेगा राइट आपको कुछ भी कर दिया जाए अगर आपको एक्चुअल रोल प्ले करना है इस दुनिया में आपके पीछे शेर आएगा तो आप भागेंगे बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड राइट सो जो स्थिति होती है दैट फाइनल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जिसकी हम बात करते हैं तो उसमें यू एवरीथिंग विल बिकम लाइक समथिंग लाइक अ गेम यू आर इन a अ पार्ट ऑफ movie. कुछ लोग इसको फिर वो ड्रीम ऑफ गॉड

और जो जानता है वो बोल बताता ही नहीं <laughs> ये का बात अगम शांत हो जाता है जो जानता है वो शांत हो जाता इसका बात अगम की कहन कहन सुनन की नहीं बोल वही रहा है जिसको भी बताने की मुझे तो आता है बहुत सुंदर ये बहुत सुंदर ये ऐसा ही होता है वो बोले वो नहीं जो जानत वो बोलतना नहीं तो ये तो हो गया ये इस वजह क्योंकि हम लोग कंट्रास्टिंग की तरफ बढ़ेंगी तो पहले तो डिस्क्लेमर के वेदांत या इस तरीके की फिलोसफी से मेरा भी कोई वास्ता नहीं हूँ मैं बहुत ज्यादा हाँ। तो मैं इसको बिल्कुल ही बेसिक्स पे लेकर के आता हूँ हाँ। इस तरीके से अगर आपको इसको मैं थोड़ा सा बता सकते हैं जैसे सर ये बोल रहे हैं कि हमारी एक एक फिक्स कॉन्शियसनेस है या फिर लिमिटेड कॉन्शियसनेस है जिसको हम अपनी फिलॉसफी में या फिर कश्मीरी शेविज़म में भी ऐसा बोलते हैं कि एक गॉड मतलब डिवाइन कॉन्शियसनेस है उसको जब ईगो सेल्फ आता है बहुत सी चीज़ें लिमिटेड होते होते वो जीव बनता है तो उसकी बहुत लिमिटेड कॉन्शियसनेस है जो उतना ही अवेयर है जितना उसको पता है लेकिन उसके परे भी बहुत कुछ है इसके अंदर में अगर मैं बेसिक आइडिया ना तो ये अगर पूरा का पूरा बैंडविर है हाँ क्योंकि हर चीज़ क्या है कि स्पेक्ट्रम पे है और जो भी हम आज बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट साइड के इतना है क्योंकि हम लोग एंथ्रोपोजेनिक नेचर से चीजें देखते हैं बातें करते हैं तो जो अगर आप देखेंगे जितनी भी हमने बातें की हैं वो बहुत ही ज्यादा ह्यूमन सेंट्रिक है हमारे ही नजरिए हमारे ही तरीके हम जो सोचने की भी कोशिश कर रहे हैं ना वो हमारे ही बात इस बात को बता रहा है कि हम केवल अपने तरीके से सोचने तरीके इंसानी तरीके से सोचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इस बैंडविर्स में अगर मैं बिल्कुल लेफ्ट साइड पे देखूं तो पहली सेल खड़ी हुई है इस दुनिया में जो पहली सेल आई थी जिसको हमने सो कॉल्ड लिविंग अगर हाँ, बोल सकते हैं सेल को लिविंग वो भी कॉन्शियस है यही हाँ। अब यहाँ पर जो शब्दावली का इस्तेमाल होगा वो मेरे हिसाब से वो इट इज मेयरली एज बेसिक एज टू कि क्या किसी भी तरीके की उसको नहीं माइंड का परिभाषा नहीं डैनियल देन, बहुत बड़ा नाम है माइंड के रूम के अंदर में जिसके अंदर में वो बताते हैं कि भाई अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यहाँ पर खेल रहा हूँ कि जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि भागते हैं किसी चीज को पकड़ के लाते हैं खाते हैं Uh, हम जब भी उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं ना तो बिल्कुल एंथ्रोपोजेनिक नेचर से डिफाइन -दि -दि करते हैं अगर आप देखें ना डॉक्यूमेंट्रीज़ के अंदर में आप देखेंगे शेरनी उसकी ताक में ये वगैरह हाँ, वगैरह हाँ, करके ऐसे हाँ. वो बताने की कोशिश करते हैं लेकिन वो जितनी भी उसके ऊपर से डबिंग हो रही है ना वो सारा एंथ्रोपोजेनिक हम अपनी जिस तरीके से हम

इधर चलेंगे अब ऐसी सेल है

मॉलिक्यूल्स आए तो इसको इस साइड में जाना ज्यादा बेहतर है क्यों ऐसा नहीं है कि इसके अंदर में दिमाग आ गया था इधर गया था बस क्या हुआ कि एक 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 बंदा 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 था बंदा था था उधर गया, गया, गया। इधर लेकिन वो सेल या वो वो सेल्स का गुच्छा जो राइट साइड में गया उसी को खाना मिला उसी को जिंदा रहने की वो एक रीजन आगे हाँ। जो है वो बच्चा वही पैदा करेगा हाँ। ये बाकी लोग बच्चे थोड़े पैदा करेंगे हाँ। तो यही इसके आगे बच्चे पैदा हो गए हाँ। आगे बढ़ते हैं एक कदम और आगे चल जाते हैं हाँ। कि जहाँ पर आपके इस तरीके के बेसिक ऑर्गेनिजम्स आपको नजर आने लगेंगे जब अब क्या है कि अब ये ये ऑर्गेनिज्म पहली बार समय के आइडिया को सोचेगा अब देखिए किस तरीके से क्या खूबसूरत ख्याल है कि मेढक है अब एक मेंढक है सामने मच्छर है खाना है इसको अब मच्छर को कर खाना है तो अगर मच्छर यहां से केवल अभी राइट नाउ की पोजीशन पर मच्छर पे कूदा तो उतने में तो वो उड़ जाएगा अब इसको सोचना पड़ेगा इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वक्त टाइम का एग्जिस्टेंस आएगा इसके साइकी के अंदर में कि इतने समय के अंदर में ये एक इंच चलेगा तो मैं अगर इधर एक इंच पे इधर मारूं अपनी जीप तो मैं इसको पकड़ लूंगा अब पहली बार क्या नजर आ रहा है समय के साथ खेला जा रहा है अब इसके ऊपर आ जाएगा क्या अवेयरनेस ऑफ सेल्फ सेल्फ जब इससे एक कदम आप ऊपर जाएंगे तो बच्चा है बच्चे को हम बेसिक टेस्ट करते हैं कि उसके गाल पे आप बिंदी लगा दीजिए और शीशे के सामने खड़ा कर दीजिए अगर जब तक वो शीशे से बिंदी निकालता रहे अभी हुँ. तक उसको सेल्फ की अवेयर नहीं, नहीं है हुँ. और जब वो दो साल तीन साल जब जिस भी समय में बच्चे को सेल्फ की अवेयर आने लगे और वो अपने मुँह से बिंदी को हटाने लगे अब इसके पास हम क्या बोल पा रहे हैं कि अब इसके पास सेल्फ की अवेयर है अपनी कि मुझे खाना चाहिए मैं हूं या मैं मेरे को अगर प्यास लग रही है तो मैं पानी पी सकता हूँ इससे अब आप एक कदम जो हम आज की जो हम ज्यादातर जो दलीलें और ज्यादातर जो बातें होती हैं वो अब यहाँ वाली जो अब मैं यहाँ से बस सर को आगे दे दूंगा जो भी बातें सर ने कही है बस इसके आगे की है मैं जो कि में मेरा कोई अभी तक हा, मैं यहाँ नहीं जो आपको जितना समझाऊँ दो चीजें मुझे समझ में आ रही हैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू मैंने देखे आपके पॉइंट ऑफ व्यू में यह है कि एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जो बेसिक है हर हर कॉन्शियस चीज में या फिर कॉन्शियसनेस हम एक बाई प्रोडक्ट है जो कि एक पार्ट है जो जैसे चीजें आगे बढ़ी हैं इसमें दो मेरे प्रश्न बनेंगे हम क्यों सर्वाइव करना चाहते हैं पहला तो ये प्रश्न है नहीं करना चाहते नहीं हम मैं क्यों नहीं सुसाइड कर ले रहा आज यहां पर आपकी अब आप कौन सी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सवाल आपके पास दिमाग आ गया ना इतना ये सवाल किससे पूछा जाना है भैंस से पूछा जाना है अच्छा अब उसके पास ये जो मैंने हमने बात की ना कि पूरा का पूरा क्या है? स्पेक्ट्रम है इस स्पेक्ट्रम पे हम आ, किसी पर्टिकुलर जानवर से एक कदम आगे बैठे हैं ना जहाँ पर मुझे सेल्फ की भी अवेयरनेस है मुझे डेथ की अवेयरनेस है कि चीज़ें खत्म होती हैं केवल बाकी जानवर तो किसी किसी ने दूसरे ने खा लिया या एक्सीडेंट हो गया कहीं चोट लग गई इन्फेक्शन की वजह से मर गए मर गए क्या उनमें इस बात की अवेयरनेस है कि एक दिन एक्चुअल में मरना ही है नहीं इसकी नहीं है फिर इंसानी जो आइडियाज़ हैं वो पर्टिकुलर आएंगे तो ये ये जो आपका सवाल आया है भाई हम इतने ज़्यादा कंडीशनड हैं अपनी एंथ्रोपोजेनिक सवालों से कि हम बहुत मेहनत लगती है कि इस हाँ, निकल हाँ थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से हम हाँ, ऐसे व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से जिसके पास कॉन्शियसनेस शायद मतलब यहाँ पर जिस चीज़ को मैं डिफाइन कर रहा हूँ या जिस चीज़ पे बात कर रहा हूँ उसमें वही शब्दावली का इस्तेमाल करना भी गलत बात है मेरे हिसाब से कि मैं कॉन्शियसनेस को डिफाइन कर रहा हूँ अगर मैंने उसमें कॉन्शियसनेस की शब्द गुजर दिया तो मैंने क्या डिफाइन किया तो नो डाउट अबाउट इट लेकिन uh, अगर आप वापस आए दोबारा से एक बार आप बोले में कोशिश करता हूँ मैं मैं ये पूछना चाह रहा हूँ नॉट जस्ट मी जो फर्स्ट सेल की आप बात किए जिस जो रैंडमली हर जगह गई लेकिन जहाँ सर्वाइव कर पाई वहाँ से वो आगे बढ़ी तो जस्ट इट्स जस्ट अ कॉज एंड इफेक्ट एक प्रोसेस चलता आ रहा है या फिर एक समय ऐसा आया जहाँ से सर्वाइवल एक एक, एक हाँ। इनहेरेंट चॉइस हो गई हमारी कि हमें सर्वाइव करना हाँ। है वो ईगो कहाँ से आया कि हम क्यों हम सर्वाइव करें मतलब इसको ना मतलब कि वही वाली बात है कि मैं मैं अपने परस्पेक्टिव से अगर बताऊँ आप आज जाइए मार्केट में और पंद्रह किताबें ले जाइए मैकेनिक्स पे और किसी में दम हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन को तीनों को जरा उसमें रत्ती भर भी बदलाव करके दिखा दीजिए क्या, क्या कर एग्जाम्पल में बदलाव कर सकते बंदर की गोड़ा -गोड़ा की हुँ। हुँ। लेकिन अगर आप जाइए लेकर आइए क्या पता चलेगा कि पंद्रह अलग अलग क्या पता चला हमें हमें अभी बस इतना पता चला है कि हमें ज्यादा नहीं पता नहीं पता चला तो अभी हम किस पर्टिकुलर स्टेट पर खड़े हैं मेरे हिसाब से ये बातें जैसे जैसे हम इस क्योंकि ब्रेन की रेल में अभी जो बेहतरीन डिवाइसेस हैं समझने के लिए वो एफ एम फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसका हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को समझने के लिए ई जी लगा दिया ये सर तो, 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 तो मुझे लग रहा है तो आप देखें कि जो सबसे बेहतरीन चीज़ है उसके अंदर में भी अभी हम बहुत खतरनाक तरीके से आगे नहीं है मतलब एफ एम आर आई अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी फील्ड्स के अंदर में जिस तरीके से मैं डी एन ए के लेवल पर घुस गया और मोलिकुलर बायोलॉजी से अगर मैं ब्रेन को कंपेयर करूँ तो मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर में तो मैं लिटरली

तो हम रस्ते में है, मेरे हिसाब से और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना ये आइडियाज मेरे ख्याल से और भी ज्यादा ऑब्सिलीट और डाइल्यूट होते हुए हमें नज़र आएंगे क्योंकि हमें इसकी और भी ज्यादा क्लियर क्रिस्टल क्लियर जो पोजीशन है वो नजर आएगी क्योंकि एक जमाने में हम जानते थे आप जानते आप जानते होंगे कि हमने फ्रंटल लोबोटोमी को नोबल प्राइज़ दिया हुआ क्या है yes. फ्रंटल लोबॉक्टोमी कि भाई आप डॉक्टर के पास गए आप डॉक्टर से आप बोल रहे हैं कि देखिए भाई आज जो है थोड़ा सा मूड खराब है थोड़ा सा डिप्रेशन लग रहा है अरे कुछ नहीं है नाक में एक सुहाँ डालेंगे घुमाएंगे तुम्हारा फ्रंटल लोब को निकालेंगे तुम सही ये इस चीज़ को एक व्यक्ति पे नहीं नाग, पचास हजार से, से, से फ्रंटल लोब निकाल लिया हाँ, फ्रंटल लोब का पार्ट निकाला फ्रंटल लोब अक्टोमी बोलते हैं इसको अच्छा इसको हमने नोबेल प्राइस दिया हुआ है नोबेल प्राइस समझ रहे हैं आप के और दो चार व्यक्ति पे ऑपरेशन नहीं हुआ है थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोगों पे एक्सपेरिमेंट हुआ हुआ है तो हम तो ऐसे फील्ड से वापस है कि जहाँ पर हम नहीं है हमारी उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मेरे हिसाब से और यही वजह है ना कि आप चार किताबें लेकर के आइए तो चार अभी मिल रहे हैं हुँ, हुँ, हम रास्ते में हैं और इसकी वजह से क्या डिस्कशंस बंद हो जाने चाहिए नहीं यही तो रास्ता है वहां तक पहुंचने का तो बिल्कुल हो कंट्रास्टिंग व्यूज जब तक नहीं आएंगे इस तरीके के पॉडकास्ट नहीं होंगे तब तक कैसे बात आगे बढ़ेगी नहीं मैं आप बैठे आप बैठे मैं कॉन्शियसनेस को लेके अभी मुझे जो समझ में आ रहा है कि तीन से चार तरह के लोग हैं कॉन्शियसनेस को लेके एक तो वो है जो बोलते हैं इग्नोर करो ये कुछ ऐसा कुछ है नहीं दूसरा एक है कि कॉन्शियसनेस बहुत ईजिली ब्रेन फंक्शनिंग से समझाई जा सकती है वो वो बस या तो हम समझ लें ऐसे ही नहीं तो बस चालीस पचास साल और हैं। होता है हाँ वो चालीस पचास साल और हैं हम उसको समझ लेंगे और एक और थॉट है कि कॉन्शियसनेस पे जो हमारे फिलोसफिकल थॉट्स हैं और जिसमें हम मान चुके हैं एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जैसी चीज है अभी जब आप बात कर रहे हैं कि कॉन्शियसनेस जो है एक एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है और चीज़ें चूँकि सर्वाइव करना चाहती हैं उनको धीरे धीरे बहुत सी ऐसी फंक्शनिंग उनके साथ जुड़ती है जो उनके सर्वाइवल में मदद करती है बाद में हम मैं बस आपको बस हल्का से ऐड कर दूँ कि मैंने कोशिश की है कंट्रास्टिंग लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ये जो पहला वाला हिस्सा है उस मैंने ऐड किया है क्योंकि यहाँ मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है वहाँ पे बस मैंने सर को आगे जो है वो प्रोवाइड कर दी कि सर आप इसके आगे क्योंकि इसके आगे मेरा बिल्कुल भी आइडियाज नहीं है मेरी जानकारी नहीं है तो एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को और इस बात को भी मुझे मतलब कि थोड़ा बहुत जो पढ़ करके समझ में आए कि एज अ फील्ड के लेवल पर भी हम अभी हमें बहुत कुछ इसके अंदर में अभी करना बाकी है इसमें इसमें दो प्रश्न आएंगे एक तो जो आपका वो वाला पार्ट है उधर वाला उसको जूम कर दीजिएगा <laughs> उसमें मेरा ये प्रश्न है अगर मान लीजिए हम ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बना लें जो रैंडम मूवमेंट करता हो रैंडमली किसी एक डायरेक्शन में जाता हो लेकिन जब उसको वो इनपुट मिलता हो तो वो थ्राइव करता हो तो क्या वो अवेयर है हमारा बनाया हुआ इंस्ट्रूमेंट इसके लिए सबसे पहले हमको तो यही डिफाइन करना पड़ेगा ना आर यू अवेयर हाउ विल यू प्रूव क्योंकि अल्टीमेटली बात ये नहीं है क्योंकि मैं आप मेरे को बता सकते हैं हाँ भाई मैं तो अवेयर हूँ अब बात आती है प्रूविंग वाले जब पे आइए जरा प्रूव कीजिए अब जब यहाँ पर हम घुसेंगे ना ज्ञान मीमांसा के अंदर में नॉलेज नॉलेज अबाउट कि यहाँ पर अब पकड़ना जरा चीजों को बड़ा मुश्किल होता है हाँ, क्योंकि मैं बड़े अच्छे तरीके से क्योंकि अगर आप वो याद करें ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट था ना कि किसी यहाँ पर अकेली बोलते हैं ना कि ये किसी और का नाम था आसान भाषा में यहाँ एक बहुत दुनिया का सबसे तेज धावक है यहाँ पर खरगोश है या फिर कछुआ है अब इस खरगोश या कछुए तक पहुंचने के लिए इसको इसका हाफ पार्ट कवर करना पड़ेगा और इस हाफ पार्ट को वो आगे नहीं बढ़ेगा मैथमेटिकली मेरे को क्या नजर आ रहा है कि वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि हाँ, उसको हर बार हाँ, आधा रास्ता कवर करना रहेगा हाँ, और ये लूप इस तरीके से नीचे घुसता जाएगा घुसता जाएगा घुसता हाँ, जाएगा हाँ, और मैथमेटिकली कभी ये पॉसिबल नहीं है कि वो आगे बढ़ जाए हाँ, लेकिन क्या करूँ मैं उस मैथमेटिक्स का जब मुझे फिजिक्स में नजर आ रहा है कि वो बंदा आगे बढ़ गया तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग में गैप है कि भाई फिजिक्स तो मेरे को बता रहा है कि और वही ये यह, यहाँ का मेरे को रिलेशनशिप समझ में आता है कि भाई आप मुझे बोल सकते हो भाई मैं तो अवेयर हूँ ना मैं तो बोलता हाँ रहा हूँ कि देख मैं अवेयर हूँ लेकिन जब उसको प्रूफ प्रूफ खेलने की बात है कि तब पकड़ नहीं इसमें क्या होता है? है जब प्रूफ की बात होती है और इसकी बात है कभी कभी हमें लैंग्वेज भी हम लेते हैं हम एक्चुअल में कभी कभी क्या होता है चीज़ें इतनी सिंपल भी होती हैं कि हम बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों में उलझे होते हैं जैसे अभी कॉन्शियसनेस को लेकर मैं एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल दूँ अगर मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं इस बॉडी के अलावा भी विशाल यहाँ रह सकता है ये जस्ट थाट ये जस्ट एक लैंग्वेज भी हमें बताती है कि हमारी जो सेल्फ अवेयरनेस है वो हम बॉडी से कनेक्टेड नहीं रखे हैं क्योंकि अगर हम ऐसा सोच रहे हैं ऐसी चीज़ हम सोचते ही नहीं कि विशाल जो है वो यहाँ खड़ा हो सकता है विदाउट बॉडी ये जस्ट बिकॉज हम ये ऐसा सोच रहे हैं तो क्या कॉन्शियसनेस ये ना अगर आपको याद हो ना तो ये तो वो वाली बात नहीं होगी दोस्त कि अगर मैं जो हुआ था पॉडकास्ट में जिसको हमने डिस्कस शायद नहीं किया था हाँ बट हाँ कि अगर मैं यहाँ से बैठ करके सूरज के बारे में सोचू तो मेरे ख्याल सूरज तक पहुंच गए तो क्या मेरी स्पीड उससे बाहर नहीं पहुंच गई हाँ तो क्या अगर आप इसको मैं पैरल मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप वो सेम बात कह रहे हैं बट इसको देखें क्या जस्ट बिकॉज के आपके ख्याल इस तरीके के हैं मैं अपने आप को बाहर बाहर से से अगर मॉनिटर ख्याल है ना ये बहुत बहुत प्यारा ख्याल है लेकिन इसको इस इस बात पर खड़े हो जाना कि यार ये ख्याल सोच पाना ही अपने आप में इस बात का भी परिचायक है कि नहीं एक थर्ड पर्सन पे भी आपको कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है मेरे को ऐसा नहीं लगता है आई डोंट थिंक और इसमें क्योंकि कॉन्शियसनेस पे चर्चा इसलिए भी ज़्यादा बढ़ गई है अभी क्या है एआई आ गया बहुत से अभी सत्य जी ने बोला आप उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मत बोलें उसको डिफरेंट इंटेलिजेंस बोलें <laughs> और इंटेलिजेंस है और उसका हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर एक मोरल और एथिक्स भी आ जाता है कि अगर एक पॉसिबिलिटी है अगर हम कॉशियस कॉन्शियसनेस को साइंटिफिक लेवल पे फिजिक्स में पूरी तरह से समझ जाते हैं तो हम उसको फिर मिमिक भी कर लेंगे और अगर हम एआई में इतने आगे बढ़ते जा रहे हैं और कल को एआई इतना कॉन्शियस हो गया हमारे लेवल पे कॉन्शियस हो गया तो उसके साथ साथ बहुत ढेर सारी मोरालिटी भी जुड़ती है फिर तो आप उससे काम कराएंगे वो स्लेव हो गया और उसके साथ आप उसको पनिश नहीं कर सकते उस तरह से क्या उस पर कॉन्स्टिट्यूशन भी लागू होगा क्योंकि कॉन्शियसनेस अगर हम मिमिक कर लिए अपने जैसे तो एज़ गुड एज हमने एक ह्यूमन ही बना लिया या फिर हमने एक जीव ही बना लिया तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर पहली बात इसमें एक प्रश्न उठता है कि पॉसिबल है कि नहीं दूसरा ये कि अगर हम मेरे एटम्स को या उस तरह से या मेरी जो फिज़िक्स है जिसकी वजह से ये अवेयरनेस है उसको एज इज़ एज़ इट इज़ मिमिक कर लिया गया तो क्या मैं वो जो चीज़ बनेगी वो मेरे जैसा ही अनुभव करेगी या फिर जैसे क्योंकि हमारी देखिए बॉडी फंक्शनिंग ऑलमोस्ट सेम है जैसे आप देख रहे हैं आपके अंदर फोटॉन्स आपके आँख में जा रहे हैं फिर ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन में जा रहे हैं सब में वही हो रहा है कुछ अलग नहीं है लेकिन आप जिस तरह से उस चीज़ को देख रहे हैं और मैं जिस तरह से उस चीज़ को देख रहा हूँ आप कभी मेरी तरह नहीं देख पाएंगे या उस अनुभव को नहीं ले पाएंगे तो वहाँ पे डिफरेंस आ जाता है तो ये इस डिफरेंस पे मुझे बात करना है कि हम तीनों कैरम को देख रहे हैं हमारे तीनों की बॉडी फंक्शनिंग सेम है यहाँ पे जो लाइट है ऑलमोस्ट सबके लिए सेम है लेकिन फिर भी जिस तरह से अंकित जी इस कैरम को देख रहे हैं जिस तरह से आप देख रहे हैं उस तरह से मैं कभी महसूस नहीं कर पाऊँगा इस डिफरेंस की मैं बात yes. करना चाह रहा हूँ yes. तो सबसे पहले ना मैं थोड़ा कॉन्शियसनेस के बारे में और क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा हाँ. तो कॉन्शियसनेस का सबसे पहले जो अंडरस्टैंडिंग जैसा कि शब्द है और जैसा आपने कहा अवेयरनेस अवेयरनेस इज कॉन्शियस बींग कॉन्शियस राइट सो ये हमको याद रखना है कि जब हम कॉन्शियसनेस बेसिक कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं जो हम हमारी पांच इंद्रियों के द्वारा मन के द्वारा परसीव करते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस वेरी प्रैक्टिकल सिंपल लेवल में इवन साइंस टेल्स आपका जो परसेप्शन है अवेयरनेस है दैट इज कॉन्शियसनेस जब हम फिलोसॉफिकली इसको लेके जाते हैं तो उसको हम एक्सपैंड करते कर सकते हैं आगे ये तो एक बहुत ब्यूटिफुल मुझे हिंदी में उसका अनुवाद करना नहीं आ रहा है अभी बट देर इज़ अ फिलोसोफिकल फ्रॉम वैदिक पर्सपेक्टिव आई नो वट आई नो आई ऑल्सो नो वट आई डोंट नो मैं जानता हूँ जो मैं जानता हूँ मैं वो भी जानता हूँ जो मैं नहीं जानता हूँ Hmm. अगर आ, आ, जैसे कि अंकित जी ने कुछ तो कहीं आ, सुना होगा पढ़ा होगा कि कोई न्यूजीलैंड के अंदर कहीं तो एक रेयर एनिमल है जो मिला मिला है कहीं तो देखा होगा तो इनको पता है कि ऐसा कोई एनिमल शायद एग्जिस्ट करता होगा बिकॉज कहीं तो ये सोच डाल दी गई हाँ. है या फिर ये ब, ब, हम कंसीव कर सकते हैं कि इतनी सारी गैलेक्सीज हैं इसके भी परे बहुत कुछ है सी अभी प्रूव नहीं किया गया कि है कितनी गैलेक्सीज है बट वी कैन फैदम या वी कैन परसीव दैट देर इज समथिंग एग्जिस्टिंग इवन बियॉन्ड दैट जबकि हमने प्रूफ hmm. नहीं किया है दैट इज आई नो विच आई डोंट नो ऑल दिस इज पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस और जब आप इसके ऊपर उठते हैं जब आप इस पूरे जो कॉन्शियसनेस को आई कैन से क्रिएटर है संचालक है उस स्थिति में पहुंचते हैं हम परमात्मा कह सकते हैं या डिवाइन कह सकते हैं तो दैट बिकम्स ए डिवाइन कॉन्शियसनेस ये क्लैरिटी मैं दर्शकों को भी देन, देना चाहूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना और इसी को लेके अभी हम आपका ए का आंसर देते हैं इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगा खास करके एज ह्यूमन बींग हम बर्थ क्यों लेते हैं बोर्न ऑन अर्थ बहुत बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि हम तो कि... क्यों यहाँ पर आए हैं यहाँ की सरकमस्टेंसेज ऐसे हैं कि जो ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करा पाए मतलब अगर ऐसा एक साइंटिफिक व्यू देखा जाए साइंटिफिक व्यू फिलोसफिकल व्यू फिलोसफिकल व्यू अब वो भी डिपेंड करता है कि, कि किस स्कूल ऑफ थॉट्स से मैं सोच रहा हूँ प्रैक्टिकली सिंपल जो मासेस फॉलो करते हैं कि आप यहाँ पर अपने जन्म क्यों नहीं आए इस हाँ, वो, वो मतलब कर्म 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 अगर कर्म सिद्धांत लेंगे yes, yes. कि हमारे जो कर, है, yes, कर्म yes, अभी बचे हुए हैं yes. और उन, कुछ सीखना है, हमारी learnings है, right? learnings हमको सीखना सीखना है, है 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 हमारी हमारी हमको करना हमें है. है, है। आप अपनी पत्नी से अपने फ्रेंड से हर समय कुछ ना कुछ सीखते हैं जब आपको वो हर्ट करते हैं तो आपके बीच में जो गुस्सा आता है वो भी आपको कुछ सिखा रहा है ये जो हम जो डिस्कस कर रहे हैं इसका अंडरस्टैंडिंग जो मैं देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर जब आते हैं तो हमारे कुछ कर्म होते हैं अनुभव पूर्ण करने के लिए या फिर हमारी जो लर्निंग्स होते हैं ये सब लिंक्ड है एक दूसरे से उसे हम कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आते हैं आ, हमारी जो क्वालिटीज़ होती है पैशंस होते हैं जैसे आपको uh, पॉडकास्ट uh, बनना है यूट्यूबर बनना है मुझे डॉक्टर बनना है इनको बायोमेडिकल साइंटिस्ट बनना जो कुछ भी है ना वो हमारे जो पैशन होते हैं उसको हम फुलफिल करने के लिए आते हैं साथ साथ में लर्निंग्स और कर्म चलते रहते हैं तो हर एक व्यक्ति जब यहाँ पर आता है वो उस लर्निंग्स को कर्म को अनुभवों को पूरा करने के लिए लेके आता है तो अब हम एआई पे आते हैं <laughs> ये ये बहुत ऐसा हाँ। शिफ्ट तो मैंने अनुराग कश्यप को अभी आपके मैं कहूँगा कि जीन्स की भी परे हैं जो आपको ऑलरेडी एक कंडीशनिंग करके यहाँ पर एक व्यक्ति को मित्र को अंकित जी को या आपको यहाँ पर बनाकर भेजा है जो अभी ऑटोमेटिकली आपके सामने सिचुएशंस क्रिएट किए जाएंगे जहां पर आपकी लर्निंग्स कंप्लीट होंगी जहाँ पर आपके कर्म पूरे होंगे आपके पैशन फुलफिल होंगे ऑटोमेटिकली जैसे कि आप कल बता रहे थे संजोक से आपके पास ऑटोमेटिकली कोई कोई ना कोई मिलते गया गया हाँ। जो अपने आप होते गया। हाँ, ये ये <laughs> मेरे लिए क्योंकि क्या है ना कि जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है तब तक आप इन सब चीजों में बिलीव इतना नहीं करते हैं मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मेरी लाइफ में अभी जो पिछले दो तीन साल में हुआ है सब रैंडम ही हुआ है मोस्टली क्योंकि मैंने कॉन्शियस डिसीजंस नहीं लिए ये पॉडकास्ट भी मेरा कॉन्सियस डिसीजन नहीं है कि मुझे पॉडकास्ट करना है और कैरम के साथ ऐसा कोई प्लानिंग नहीं थी बहुत सडन हिट ऑफ द मोमेंट चीज़ें हो जाती हैं yes. और अगर yes. सर के इस वाले ही आइडिया को मैं अगर मतलब क्योंकि बिकॉज ऑफ कंट्रास्टिंग व्यूज कि अगर सर कह रहे हैं कि हम इस पर्टिकुलर धरती पर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कुछ कर्म कर्म हैं जो हुँ. कि आपको आ, लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन है अगर इसको मैं काल पॉपर और डेविड डॉइच की जो आइडियाज हैं जो कि अपिस्टोमोलॉजिकल व्यूज़ पर ही ज़्यादा केंद्रित हैं अगर मैं उस नज़रिए से भी देखूँ तो ये मेरा ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चन को अन आंसर्ड छोड़ देता है हाँ। इतने सारे सवाल हैं कि आप देखिए कि मतलब कि अगर अगेन मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ कि हम कितना ज़्यादा इंसानी नज़रिए से सोचने की ख्याल रखते हैं कि हाँ। ये हम मैं हूँ मतलब कि मुझे भेजा गया है या फिर अगर आप ये देखें कि

कोरलेट करके मैं एक आपको जो एक्चुअल जो मेरा है क्रक्स है हाँ। जो मैंने मैं समझता हूँ कि जो फाइनल थिंग है कि हम इन स्पेशली ह्यूमन बींग्स हमारे पास एक फ्री विल भी होती है पुरुषार्थ कहते हैं तो आपके साथ कुछ जो चीजें हो रही हैं वो होके रहेंगी जिसे हम डेस्टिनी कहते हैं मगर आपके free पास will. बहुत बड़ा पार्ट सेवेंटी परसेंट फ्री विल है तो ये जो इनका जो अभी जो उन्होंने ये किया कि कुछ चीजें आप खुद फ्री विल एक्शन लेते हैं आप खुद डिसाइड करते हैं कि मुझे ये करना है और वो आपका एक फ्यूचर बनाता है हर मोमेंट में आप जो सोचते हैं जो कार्य करते हैं उसका एक फ्यूचर बनता ही है आप उसको कितना फोर्स डालेंगे एनर्जी डालेंगे एक फ्यूचर बनते जाएगा राइट right? तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है मे बी इसके ऊपर हम और चर्चा कर सकते हैं मगर अभी इसमें ए में आते हैं तो आपका क्वेश्चन था हुँ। तो अगर कोई व्यक्ति को निर्माण किया गया है मनुष्यों को हमको जिसकी कुछ चीजें हैं उसको कंप्लीट करनी है आप उसे एआई में कैसे डाल सकते हैं ए आई को अगर बनाते हैं फिलोसॉफिकली आई मीन साइंटिफिकली सोचते हैं उसमें एक उदय डाल दिया है उसकी उसमें सब कुछ जो कुछ भी व्यक्ति है जैसा व्यक्ति है वो डाल दिया है बट उसकी फुलफिलमेंट जो कुछ मैं करना चाहता हूँ उसे पता ही नहीं होगा द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग कि आपको पता नहीं है वो, hmm. आपकी मेमोरी चली जाती है hmm. आपने किसी को पिछले जन्म में अगर दुख दिया है hmm. अगर वो मेमोरी के साथ आप यहाँ पर आते हैं hmm. तो फिर बहुत इजी होगा ना कम्प्लीट करना वो मेमोरी निकाल दी जाती है

इस लाइफ की लर्निंग को तो मैं नहीं कैरी कैरी फॉरवर्ड फॉरवर्ड। कर so, सो uh, वो, इन वो होती आपको फिर से कैरम सीखना पड़ेगा फिर से एबीसीटी सीखनी पड़ेगी हुँ। मगर हुँ। आपका जो कॉन्शियसनेस है जहां तक आपने एक अंडरस्टैंडिंग अबाउट लाइफ अबाउट अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर कुछ चीजें जो है ऑटोमेटिकली या आपका एक जैसे हम जब बेसिक पैशन कहते हैं वो ऑटोमेटिकली पहले ही डिसाइडेड रहता है जैसे कि बचपन से ही मुझे यह था कि डॉक्टर बनना ही है पता नहीं है क्यों डॉक्टर बनना है घर में सब लोग हंसते थे घर में फैमिली में दूर दूर से कोई डॉक्टर नहीं है और उसके लिए लेकिन अगर आप ना बन पाते तो दैट इज समथिंग मे बी अ पार्ट ऑफ इट कि मुझे नहीं तो, बनना था हो हाँ। सकता है ऐसा पार्ट है उसका बट मेरा पूरा फ्रॉम राइट फ्रॉम के जी क्लास टिल टेंथ ट्वेल्थ यही फोकस था कि मुझे मेडिसिन में जाना है आपके माता पिता क्या करते हैं <laughs> वो जब अभी पता, मुझे बताते हैं तो वही बताते हैं कि पागल की तरह पढ़ते रहना था हाँ। बुक्स पढ़ते रहना था क्योंकि घर का माहौल ऐसा नहीं था कि मुझे कोई कैपेटेशन कॉलेज में जहाँ पे बहुत सारी फीस पे करके डॉक्टर बना दिया तो हाँ। मुझे ऑलरेडी अवेयरनेस था इस चीज का पेरेंट्स क्या करते थे पेरेंट्स क्या आप करते आपके आपके पेरेंट्स ऑक्यूपेशन तो हाँ तो फादर जो तो रेलवे में ऑफिसर्स थे अच्छा, और मदर हाउसवाइफ थी हाँ, हाँ हाँ तो बड़ी फैमिली थी तो इसलिए फिर ये मुश्किल थी कि मैं जो डॉक्टर अगर बनना है अपने बलबुदे पर जहाँ पर देख रहे हैं कि पेरेंट्स कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं पांच भाई बहन उनको सबको उनको भी पढ़ाना है वो वो। आ गया था। हाँ। kind of कह रहे हैं एक manifestation भी है जो हाँ। है जो बचपन का सर जो कह अगर रहे हैं। मैं डबल क्लिक करूं इस बात पर केवल मिनट लूंगा। हाँ, हाँ। सर वाली बात पर ही के, मैं, with all due respect, के जो सर ने कहा एक, एक कुछ है हिस्सा जो कि फ्री विल का रहेगा की आपको दिया गया है ठीक है और एक वो पार्ट है जो कि आपकी डेस्टिनी है जो कि होना ही है जिसको आप बदल हाँ। नहीं सकते थे अब यहाँ पर मैं केवल और केवल एक टर्मिनल यूज़र की तरह एक टर्मिनल बंदे की तरह अपने सवाल पूछ सकता हूँ कहाँ मिल रहा है ये ब्रोशर? कि यहाँ से क्योंकि ये तो या तो जिसने भी ये पर्टिकुलर रूल हाँ। बनवाए हैं उसको ये भी बात इंश्योर करनी चाहिए थी कि हर उस व्यक्ति के पास ये ब्रोशर पहुँच जाए ताकि वो उसके अनुसार फैसला ले पाए ये तो वही बात होगी ना कि आपने उसको बता मतलब धप्पा कर दिया कि आ जाओ कि तुम्हारे ये हम तुम अब उसके बाद उसने लगा दिया कि अच्छा तुमने आदमी मारा अरे ये तो तुम्हारी डेस्टिनी थी चल, ये तो तुम बच गए अच्छा तुमने मच्छर मारा अरे इसका तो तुमको नरक में जलाएंगे तुम चिंता मत अब ये मतलब कि आप अब देखिए ना कि किस तरीके से वो हर एक इवेंट में हम लगा के पड़ेगा मैं तो कह ही नहीं रहा मैं फिलोसफी के लेवल पर जा नहीं रहा मैं तो टर्मिनल यूजर की तरह एक आम बंदा

फुल ह्यूमैनिटी अटक जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कोई डेस्टिनी के ऊपर तो कितने सारे वीडियोस बने हैं फिलासफर्स ने एग्जांपल्स दिए हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं आज कहाँ पर हूँ और मुझे कहाँ जाना है मुझे कैसे अपना जीवन अच्छा करना है अगर हमारा फोकस यहाँ पर रहता है बेस्ट आपको मिलीनियर बनना है या फिर पौ, बेस्ट पॉडकास्टर बनना है या जो कुछ भी बनना है या फिर ईश्वर uh, को अनुभव करके उस तुरियम स्थिति में जाना है जो कुछ भी है आप कहाँ पर हैं आज और आपको कहाँ पहुंचना है सिर्फ इसको देखते हैं हम तो ये सब बहुत ये सब चीजें मायने नहीं करती हैं। दिस इज लाइक अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग सबसे पहली बात ये ब्रोशर वगैरह ऐसे कोई मिलता ही नहीं है इट इज कैप्टन साहब लाइक कंप्लीटली क्लीन स्लेट आपको पता ही नहीं है क्या करना है ये आप धीरे धीरे अपने आप लर्न करते हैं एक अंडरस्टैंडिंग मेरा जो समझाने का एक रीजन uh, uh, था कि ए में आप ये कैसे डालेंगे जब आप ए को क्रिएट करेंगे हाँ। तो ये सब पार्ट कैसे इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें देखना चाहिए ना हाँ। कि इसके कॉन्ट्रोवर्सी करके ये सही है कि ये सही है आप कैसे अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं कैसे आगे बढ़ सकते हैं और जब ये आप प्रश्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आप अपने कर्म कैसे अच्छे करेंगे आप कैसे दूसरे व्यक्ति को समझ पाएंगे आप कैसे दूसरे व्यक्ति को हर्ट ना करें जितना हो सकता है हाँ हा। ये ये उसका ये। एक कॉन्सिक्वेंस है उस का केवल और केवल और दो पॉइंट पॉइंट कि सर हाँ। ने जैसे बोला ना कि हर व्यक्ति को अच्छा बनना चाहिए ओके फाइन इसी में एग्जाम को मैं जरा आगे बढ़ाता हूँ और हरारी के कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करता हूँ जब आप कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को अच्छा बनना चाहिए मतलब कि उसके कर्म अच्छे होने चाहिए मतलब उसके डिसीजन सही होने चाहिए अगर डिसीजन सही होनी चाहिए मतलब कि हम बात कर रहे हैं मोरालिटी के रैम की है ना कि ये सही है ये गलत है मोरालिटी की बात है ना और आज की अगर मैं बात करूं केवल और केवल 200 सौ ईयर का गैप ले लीजिए दो 200 साल पहले एक 50 साल का व्यक्ति एक 12 साल की बच्ची के साथ शादी करता है एक नॉर्मल प्रोसेस के अंदर में आ रहा है लेकिन अगर कोई व्यक्ति व्यक्ति के साथ लड़का लड़के के साथ समलैंगिक संबंध रख रहा है उस समय के हिसाब से क्या है बिल्कुल अनरस वाली सिचुएशन है ठीक कट टू दो आज के समय में आप बिल्कुल इसके ट्वेंट वन एट्टी डिग्री टर्म देखेंगे कि आज के समय में किसी भी व्यक्ति को पूछ लीजिए कि सबसे ज़्यादा महापाप की कैटेगरी में अगर आप किसी को डालेंगे तो वो पी डी फाइल होने को हाँ, हाँ। उसकी कैटेगरी में डालेगा जब सर ने कहा कि भाई आप अच्छे कर्म कीजिए आप बढ़िया कीजिए आप अच्छा काम ये जो ये, ये, अच्छा। ये एग्जियम के अंदर में ही ये बात निहित है कि आप अच्छे या मॉरल या अच्छा बुरा सही गलत मॉरल इमोरल यही इसी की तो बात हो रही है ना मेरी तो अगर केवल मैं 200 साल पहले उठा करके देख रहा हूँ तो आदमी को गुलाम बनाना पेपर के तुमसे पैदा हुआ बच्चा भी मेरा होगा ये मॉरल था ये लॉ भी था ये मॉरल भी था उस समय के हिसाब से लोगों के हिसाब से एक व्यक्ति दूसरे के साथ मर्द मर्द के साथ नहीं सम, समलैंगिक संबंध बना सकता इमोरल था नहीं। नहीं। आज की टाइम में देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन मतलब पोप तक आपको देख देखने के लिए मिल जाएंगे ठीक है तो ज़्यादा वो प्रमोट नहीं कर रहे तो ठीक है अपना इनडिफरेंस वाली स्टेट में हम तो इस सर आपकी बात में ये बात निहित नहीं है कि ये तो समय के मोरालिटी या सही गलत अच्छा बुरा अच्छा आदमी बनना समय का समय के हिसाब से बदल जाएगा। अच्छा कहा जो मोरलिटी की हम बात करते मोरलिटी बदलती रहती है जो बट ये जो चीजें जो बनाई गई है ये लॉस जो सोसाइटी ने बनाए है जो रिलीजियस बेस जो बनाया है, हाँ हाँ। वो चीज अलग है जो मैं बात कर रहा हूं अच्छा व्यक्ति बनने का को लेकर कोई भी all, में ये अच्छा या गलत होता ही नहीं है एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ डिवाइन सब हाँ। कुछ सृष्टि जो है सब, उस, है।, सब है।, है सब रिलेटिव है आप कुछ सही है या गलत है कौन हाँ है।, 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 किसी है किसी के लिए किसी के लिए सही हो सकता है किसी तो यहाँ पर भी हम बात नहीं कर रहे हैं आप खुद के कॉन्शियस को देखें ये बात कर रहा हूं आप खुद इस समय अपने आप को देखें आपको क्या सही लग रहा है क्योंकि आपके हर एक व्यक्ति के भीतर एक कॉन्शियस uh, होता है नॉट कॉन्सियसियस बोल रहा हूँ नो वॉट इज राइट वॉट इज रॉन्ग राइट अगर आप कोई आपको चिल्लाता है आपको जैसे कि विशाल जी आपको बोलता हूँ को, आपको कोई चिल्ला रहा है क्या आपको गन मार देंगे गन से शूट कर देंगे नहीं करेंगे आप राइट क्योंकि आपके भी, भीतर एक कॉन्शियस है कि शायद इस व्यक्ति ने जो कहा है मे बी बहुत खराब कहा है कर रहा है मगर तो मैं उसको मान नहीं सकता हूँ राइट तो आप एक अच्छा व्यक्ति उस लेवल तक पहुंच के कर सकते हैं ना एक और व्यक्ति हो सकता है जो ये समझेगा कि ये व्यक्ति जो मुझे चिल्ला रहा है गलत चीज कह रहा है शायद इस व्यक्ति में कुछ प्रॉब्लम है खुद के में प्रॉब्लम है तो मुझे बुरा ना फील करके इसे हेल्प करनी है आप समझ रहे हैं क्योंकि ये जो जब ये अवेयरनेस आता है दैट इज रेजिंग टू हायर कॉन्शियसनेस इस व्यक्ति ने मुझे चिल्लाया मुझे थप्पड़ मारा भी तो मैं इस व्यक्ति में क्या क्या कारण है इससे बचाया मैं उसके लिए हेल्प करना चाहूंगा हुँ. तो ये आप ऊपर उठ जाते हैं उसमें नाउ अगेन इसके अंदर बहुत सारी डिबेट हो सकती है कि हुँ. ऐसा करना गलत है ऐसा तो हम वहां पर जाते ही नहीं है वो इजी रहेगा समझने के लिए कि हम अपने आप को देखें और फिर आगे बढ़े मैं इसमें डबल क्लिक करना अगेन इस सेम बात पे कि सर ने कहा कि अगर हर व्यक्ति के अंदर में अपना एक कॉन्शियस होता है जिसके बेसिस पर वो डिसाइड कर सकता है कि मैं आज सामने वाले हाँ। व्यक्ति को गोली मारूं कि ना मारूं। अगर मैं इस बात को ये और जो कुछ और नहीं है क्योंकि आपको ऐसे व्यक्ति भी देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि हमारी हिंदी बेल्ट के अंदर में ऑनर किलिंग नंबर वन पे है आपके <laughs> आ, के सामने वाले व्यक्ति को बोलूँ मारूं मारू, इस बात को प्रमोट बट किया जाएगा और ज्यादा बेसिक पे आ जाते हैं नाइन्टी परसेंट जिराफ के अंदर में जो सेक्स होता है वो समलैंगिक होता है अब उनके अंदर में कॉन्शियस नहीं क्या कि उनको नजर नहीं आ रहा है कि आदमी के आदमी के इससे बच्चा तो पैदा होने वाला नहीं क्यों कर रहे हैं कहाँ गया इनका कॉन्शियंस और मैं केवल और केवल इस पर आ रहा हूँ केवल और केवल की के, कॉन्शियंस भी हमारी अपब्रिंगिंग का ही हिस्सा है वो एक चीज जो एक हिरन को एक पर्टिकुलर ट्राइबल समय के अंदर में मारना वो उस समय में कि अब जरूरत थी कि भैया खाने को नहीं मिलेगा इस पर हिरन को मारना ही पड़ेगा हमें हाँ, आज की तारीख में अगर आपके पास ऑप्शन हैं तो आस, आप प्लीज़ गो हैट बी अ वेजिटेरियन अगर हाँ, आप इस एग्जियम पे मानते हैं कि भैया देखो इस दुनिया में आए हैं तो हम बर्बाद तो करेंगे इस दुनिया को क्यों ना कम से कम बर्बाद करके इस दुनिया से चले जाएँ अगर आपका ये एग्जियम है तो ये आपके कहाँ से सीखा होगा ना कहीं से ये आप का ही तो हिस्सा है कॉन्शियस कहीं रैंडमली नहीं आ रहा क्योंकि अगर आ रहा था तो सबको बढ़ना चाहिए था ना बराबर सबको सबके जो डिसीजन है वो बिल्कुल मेरे को आइडेंटिकल नजर आने चाहिए थे अगर सबको कॉन्शियंस ऊपर वाला अगर बांट रहा है सबको बराबर बांटे ना अलग अलग तो नहीं बांटना चाहिए था तो कॉन्शियंस मेरे हिसाब से तो केवल और केवल आपका अपब्रिंगिंग है और उसके अंदर में आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे वो लोग भी मिलेंगे जिनके लिए आ, किसी व्यक्ति को कत्ल करना केवल और केवल दिखाने के लिए आ, माचोनेस है और ऐसे व्यक्ति भी मिलेंगे जो कि आपका हम ऐसे व्यक्ति जो कत्ल कर देते हैं वो सुधारे भी तो जाते हैं और फिर सुधरने के बाद बोलते भी तो हैं कि यस राइट नाउ मैं सही हूँ वो उस समय उनको रियलाइजेशन तो होती है बहुत से ऐसे लोग जो रियलाइज yes, करते हैं ना इस yes, चीज को yes, बाद में yes, बहुत सही बहुत कि, कि हाँ मैं अब सही हूँ क्यों उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि मैं अब सही हूँ तब सही नहीं था इंसेंटिव है केवल और केवल आपको भी चार दिनों के अंदर में बच्चे को घर के अंदर में अगर उसको ये आपने सो कॉल्ड रियलाइज करा दिया कि चॉकलेट मांगना है साइकिल मांगना उसको पिताजी ने दो थप्पड़ लगाए थे उसको आपने जो बंद किया गया था एक पर्टिकुलर कमरे के अंदर में उसको इंसेंटिवाइज किया गया कि भैया देखो ऐसा है कि तुम ये करोगे अगर किसी व्यक्ति को मारोगे तो आपको ये सजा मिलेगी ये आपका हा, इंसेंटिव हा, है आप इसके हिसाब से आप अपना सजा तो ठीक है हुँ? सजा पनिशमेंट इज अ पार्ट और वो एक क्या है कि हमें डिटर करता है कि हम ये काम ना करें सजा मिलेगी बट उसके अलावा भी जो अंदर की एक भावना है सीखा ना हाँ मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ सीखा ना वो सीख के सही जगह पे आया ना कुछ सही जगह है कुछ है? लोग आ सकते हैं कुछ लोग नहीं आ सकते तो जो नहीं आ सकते मैं उनकी बात नहीं कर रहा अगर सही जगह पे आए तो सही जगह ही अल्टीमेट पोजिशनिंग uh, है हमारे कंसाइंस की वो सही जगह पे सबको आना चाहिए लेकिन कुछ लोग नहीं आते दोबारा से हम वहीं आ गए ना कि सही जगह कौन कर रहा है डिसाइड समझ रहे ना वही वही जो अंदर यहाँ पे थोड़ा सा मैं और एड करना चाहूंगा जो आपने कहा ना वही ट्रैक को लेता है तो सबसे पहले जो कॉन्शियस एंड डिसीशन मेकिंग पावर ये ह्यूमन बींग में होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना जिराफ का जो एग्जाम्पल दिया या फिर एनिमल्स का दे गो बाई इमोशंस दे ओनली गो बाई इमोशंस वेरी बेसिक इमोशन्स कोर इमोशन मतलब फंडामेंटल इमोशंस जो बोलते हैं फियर हाँ। सेक्शुअल हाँ। uh, उसके ऊपर ही ज़्यादा उनका काम रहता है ह्यूमन बींग इज वी कॉल आर सेल्फ इवॉल्व बींग राइट

एक समय था डायनासोर्स ही थे राइट एक हुँ। समय में डायनासोर्स ही रहते थे वहाँ से धीरे धीरे अगर हम साइंटिफिकली देखते हैं मंकीज मैमल्स मैमल्स से फिर जो अगर थियरी लेते हैं वहाँ पर फ्रॉम चिप डी से वी मूव टू ह्यूमन डी राइट सो ये इवोल्यूशन हुआ है तो वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू तो बिकम अ बेटर पर्सन इज वॉट माई मेरा जो फाउंडेशन बताने का ये है कि आप किसी भी तरह से डिस्कस करते हैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में जा रहा हाँ, है सोर्स डायरेक्शन exactly, हाँ, तो आप उसके अंदर गलतियां करते हैं जो कुछ भी पहले गलती की है आपका उस समय कॉन्शियस उतना डेवलप नहीं हुआ था कि आप उस डिसीजन को सही तरीके से ले पा रहे हैं शुरुआत जो हमने आज कॉन्शियसनेस की, की थी जो हायर कॉन्शियसनेस में हम कैसे डिफरेंशियट करेंगे जो राइट जब हायर कॉन्शियसनेस में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे जब हम उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं और पूरी सृष्टि का आप अगर फिलोसॉफिकली देखते हैं या इवन साइंटिफिकली देखते हैं इट इज़ अ मूवमेंट टूवर्ड्स हायर तो सिंगल सेल एनिमल जो था वहाँ से हम मल्टी सेल्यूलर कॉम्प्लेक्स एनिमल बन गए राइट तो देर इज अ मूवमेंट टूवर्ड्स बेटरमेंट एंड टूवर्ड्स हायर दैट्स हाउ इट इज एंड इफ there is a problem, it annihilates. That's how creation also then just destroys. एक समय था डायनासोर्स रूल करते थे पृथ्वी को. Mm -hmm. They were all destroyed one fine day. Mm hmm. That is how the movements happen. So अगेन मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को अभी देखें कैसा है आपको क्या सही लग रहा है क्या गलत लग रहा है अपने आप भीतर उस क्वेश्चन को उस, कुछ उसको क्वेश्चन कीजिए प्रश्न कीजिए इमीजिएटली रिएक्ट ना कीजिए प्रश्न कीजिए कि ये मैं जो डिसीजन लेने जा रहा हूँ जो कुछ भी करने जा रहा हूँ वो सही है कि नहीं है हुँ. ये आपके खुद के भीतर ऑलरेडी है हाँ क्योंकि ये बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंग भी है ना कि ये सही है मेरे लिए कि नहीं है ये yes. हमारे सर्वाइवल के yes. लिए दो मिनट के लिए पिन पॉइंट करना चाहूँगा कि सर ने बोला कि इवोल्यूशन कि हम लोग जो है किस तरीके से एग्जाम्पल दिए सर ने कि किस तरीके से एक, एक, एक खास तरीके के ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे फिर जैसे जैसे हम देखेंगे वो बेटरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें भी और भी आजा अगर हम इंसान बन गए हैं तो बेटरमेंट की तरफ जाना चाहिए इवोल्यूशन का कोर आइडिया कहता है कि भैया बेटरमेंट का कोई रिलेशनशिप नहीं है इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल सर ने अगर डायनासोर का नाम लिया है तो आप डायनासोर खत्म नहीं हुए पहला पॉइंट जो आपको कबूतर नजर आता है जिसको आप बोलते हैं कि बेवकूफ़ सा है और उड़ता भी नहीं है सड़क पार जो है पैदल जो है पार कर रहा है वो वो कबूतर ही उसका वंशज है डायनासोर के वंशज जितने पक्षी हैं सारे के सारे आ जाए किसी का पैर उठा करके देख लीजिए मोर का पैर देखिए डायनासोर का पैर देखिए आपका हाँ। वो चीज देखने के लिए मिलेगी पहली बात दूसरी बात कि कोई भी बेटरमेंट की तरफ हम लोग नहीं जा रहे हैं इट्स अ uh, कि अगर आपको ये ये इसी बात का एग्जांपल है कि हमने अगर सर ने कहा कि एक वक्त था जब इस धरती पर डायनासोर राज किया करते थे तो यही वक्त है जिसमें उसके वंशज जो हैं कबूतर दाना हम लोग उनको दाना डाल देते हैं दूसरा uh, कि अगर हम चिम्स और इसकी भी बात करें तो इसके अंदर में भी हमें सारे परमोटेशन कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलते हैं इस धरती पर यही एक वाहिद समय चल रहा है जब इंसानों के होमोसेपियन से एक ही स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती है अगर इससे आप कुछ मिलियन ईयर पहले जाएंगे तो इंसान के नॉन ऑपर वैसे स्पीशीज़ भी इस धरती पर एग्जिस्ट की है यकीन माने जो होमो होमोहेबिल्स या फिर होमो इरेक्टस ये लोग इतने ज़्यादा हम लोग कुछ भी नहीं जी। होमो सेपियंस बाकीों के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम समय जो है बिताया है हमने इस धरती पर वो लोग कई मिलियन ईयर इस धरती पर बिता के चले गए हैं संभावना इस बात की ही ज़्यादा है कि हम लोग उनसे पहले विलुप्त तो हो जाएंगे ये बातें जो है वो आइडियाज के लेवल पर है <laughs> ये यही यही आइडिया बोल रहा हूँ ना कि जो आइडिया ऑफ बेटरमेंट है हाँ हाँ। ये ठीक है आप आम जिंदगी में लगा लीजिए कि मैं आज एक लाख रुपये कमा रहा था कल को मुझे दस लाख रुपये कमा रहे हैं ये आइडिया किसी भी तरीके से आप किसी भी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट को बोलेंगे जाकर के आर वी क्या क्योंकि अगर इवोल्यूशन का आइडिया आप कह रहे हैं कि हर चीज़ बेटरमेंट की तरफ जा रही है तो हर स्पीशीज जानी चाहिए ना और जिस दिन इस दुनिया के अंदर में पहली सेल आई थी और तो आज तक वो वो अकेली सेल

सो कॉल्ड बेटर क्योंकि बेटरमेंट किसके हिसाब से हम लोग इसकी हाँ, बेटरमेंट हम दिमाग के हिसाब से कर रहे हैं ना कल को आ जाए कि हाँ, क्या नाम है दो हाथ, हाथ पकड़ कर के लटकना है तो आपका चिंपैंज़ी आपको दो सेकंड में हरा देगा आपको पकड़ कर के तो बेटरमेंट इतना ज्यादा मैं हमेशा से, से लग रहा है सेल्फ हम लोग इतने या बेटरमेंट का मैं बात कर रहा था हमारे ह्यूमन

जहाँ पर आज अभी हम हैं उसको समझ के हम आगे बढ़ेंगे तो फिर मैं मतलब इन जनरल बता रहा हूँ ऑफ ह्यूमैनिटी जहाँ पर भी है उसको कैसे आप अच्छा कर आपके खुद के भीतर तो जो कॉन्शियस है उसके ऊपर मेरा ये था कि आप कैसे उसको यूज करके आगे बढ़ सकते हैं सर की अगर आइडिया को मैं डबल क्लिक करूँ सर ने भी बोला कि ह्यूमन और चैम्पैनजी के अंदर में डी के लेवल पर जो डिफरेंस है इतिहास में क्या हुआ कि केवल और केवल हम दोनों का एक कॉमन एनसेस्टर था ह्यूमन और चैम्पैनजी का उस कॉमन एंसेस्टर के दो बच्चे हुए और एक बच्चे का जो क्रोमोजोम नंबर दो है वो टूट गया दो तो तो पार्ट में डिवाइड हो गया और उसकी जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स थे वो आपके ट्वेंटी फोर पेयर्स हो गए फोर्टी एट जो आज की तारीख में हम बोलते हैं और एज़ कम्पेयर टू तो उनके जो कि बाईस रह गए तो जो क्रोमोजोम नंबर टू तू टूटा तू वो एक रैंडम इवेंट था और जिसकी वजह से दो पर्टिकुलर डायरेक्शन बनी एक पर्टिकुलर जो स्पीशीज़ बनी वो हमारे चैम्पियंस ही हैं जिसको आज की तारीख में हम जानते हैं और जो दूसरे हैं वो कौन है

हाफ ऑफ दिस सेशन था कि हम कॉन्शियसनेस को क्रैक करेंगे वो उसे हम थोड़ा सा अलग थे लेकिन बातें जो है वो है हाँ डायरेक्शन सही क्योंकि इसमें बहुत सी बातें जो मेरे दिमाग में अभी आई हैं सर के भी पर्सपेक्टिव से और आपके भी पर्सपेक्टिव से वो मैं रखना चाहूंगा साथियों मैं आशा करता हूँ कि आपको शो में मजा आ रहा होगा और ये शो पॉसिबल हो पाया है शिक्षणम की वजह से शिक्षणम हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम भारतीय दर्शनों को उपनिषदों को और संस्कृत भाषा को सिखाते हैं सबको भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ रहे हैं और अभी एक साल ही हुआ है हमारे प्लेटफॉर्म पर पचास हजार से भी ज्यादा विद्यार्थी दैनिक रूप से संस्कृत भाषा को सीख रहे हैं उपनिषदों को पढ़ रहे हैं दर्शनों को पढ़ रहे हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ रहे हैं और साथियों इसके माध्यम से जो भी धन हम अर्जित करते हैं उससे हम ऐसे शो को बना पाए

सपोर्ट रहेगा लिंक और डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगी चलिए अब शो को आगे बढ़ाते हैं तो मैं जैसे कि सर बोल रहे हैं कर्म का सिद्धांत हम कर्म के लिए आए हैं इसमें मैं बहुत से जो जो न्यूरोसाइंटिस्ट हैं उनकी जो रिसर्च है उनको पढ़ता हूँ और खासकर आप बायोलॉजी में इसके स्टूडेंट हैं तो उसमें अभी मुझे एक चीज ये समझाइए कि जब पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग आती है तो वो ऑप्शन ये देखा जाता है कि उसमें जो जो भी बिहेवियर है उसका या फिर जो उसका बॉडी है जो उसका शेप है उसमें कुछ हद तक तो 50 परसेंट डी काम करते हैं फिर लोगों को लगा कि 50 परसेंट जो अपब्रिंगिंग है जैसे कि एक्सेंट है तो ये हमारा इनहेरिटेबल नहीं है एक्सेंट तो हमारा जो हम पकड़ते हैं जो इन्वायरमेंट हमें देता है वो देता है तो फिफ्टी परसेंट है जो हमारे डी बनाते हैं उसमें भी ये बोला जाता है कि डी एकदम हार्ड स्क्रिप्ट नहीं लिखते हैं वो एक वेग रेसिपी है जिसके हिसाब से बॉडी बनती है हमारी प्रोपेंसिटीज़ जो हमारी और भी चीज़ें वो बनती हैं कुछ फैमिली पे है लेकिन अभी जो लेटेस्ट स्टडीज़ आई हैं उसमें ये बताया गया है कि ये जो हम मानते हैं ना कि फैमिली या हमारी सोसाइटी हमें फ़िफ्टी परसेंट डिज़ाइन करती है वो भी नहीं है फिफ्टी परसेंट ठीक है डी एन ए और हमारे जीनोम्स करते हैं लेकिन जो वो रेस्ट ऑफ द फिफ़्टी परसेंट वो ऐसे उनको पता चला कि जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं या फिर उन्होंने एक एक एनिमल पाया जाता है यू एस में एर्मेडिलो तो उसके उसके क्वार्टरपल्स होते हैं चार बच्चे एक ही जायगोट से आते हैं और वो चार के चारों बच्चे विद इन अ डे अलग तरह से बिहेव करते हैं जबकि सेम डीएनए सेम जीनोम फैमिली के इतनी जल्दी कोई आ, नहीं पढ़ सकता और फिफ्टी परसेंट हम ये नहीं कह सकते कि जस्ट बिकॉज देयर सराउंडिंग्स आर लाइक दिस वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो वो नहीं आ सक उसको रैंडम डेवलपमेंट ऑफ नर्व सिस्टम या नर्वस सिस्टम बोलते हैं और जो हमारी फ़िलोसफी में जैसे आप कर्म का या पुनर्जन्म का सिद्धांत बता रहे हैं वो उसका जब मैं इस पर रिसर्च करने लगा फिलॉसफी में कि क्यों बोलते हैं आज हम मजाक उड़ाते हैं कर्म सिद्धांत का क्योंकि हमें आपने बोला ब्रोशर नहीं मिला है आ, मैं एज अ क्यूरियस पर्सन मैं जानना चाहता हूँ क्यों बोला कि पुनर्जन्म होता है या कर्म ही है जब इस पर मैं रिसर्च करने लगा तो मुझे आ, आ, न्याय शास्त्र शास्त्र में महर्षि महर गौतम जी बताते हैं कि बहुत से ऐसी क्रियाएं हैं जो एक बच्चा करता है जैसे बच्चे को भूख लगना समझ में आता है क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज अ बॉडी उसको एनर्जी चाहिए तो उसको खाना है लेकिन वो माँ का दूध ही क्यों खाना है जी इंस्टिंक्ट उसके अंदर क्यों मिट्टी खा ले कुछ भी खा ले कुछ भी उठा के खा ले तो कुछ जो बिहेवियर्स हैं वो हम नहीं समझा पाते हैं और उस समय तो डी एन जीनोम की बात तो होगी भी नहीं आज हम हमारी इतनी मेडिकल uh, साइंस आ गई कि हम डी जीनोम की बात करते हैं लेकिन आज भी देखा जाता है कि बहुत से बिहेवियर्स हैं जो ना डी जीनोम हमें समझा पा रहे हैं और ना ही हमारी सराउंडिंग समझा पा रही हैं और उनके लिए फिर हमें रैंडम डेवलपमेंट या स्टोकैस्टिक डेवलपमेंट की बात की जा रही है तो क्या वहाँ पे ये फिलॉसफी फिट होती है आपने जितने भी एग्जाम्पल लिए ना उस आ, सब के अंदर में मैं आपको एक खोल खोल करके आइडेंटिकल मतलब एक्सप्लेनेशन दील दे रहा हूँ कि कहाँ पर आपने क्या क्या देखा और उसके एक्सप्लेशन क्या क्या हैं पहला पहला आपने बताया आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में तो आइडेंटिकल ट्विंस को लेकर के एक एक्सपेरिमेंट है आपके आपका आप आम जिंदगी में ये चीज देख सकते हैं कि दो आइडेंटिकल ट्विन हुए अभी बीस साल बत्तीस पच्चीस साल गुजर चुके हैं एक बंदा जो है वो एक बोतल दारू पी जाता है तब भी उसको नशा नहीं होता है तो और एक बंदा है जो कि एक पैक पीता है उसको नशा हो जाता है कहाँ से आ रहा है अब ये लगता है देखने में कि यार अगर इतना ही डीएनए डीएनए चिल्ला रहे थे सब लोग तो अगर डीएनए से ये बात निर्धारित हो रही है क्योंकि डीएनए आपके शरीर में जब अल्कोहल जाता है तो आपके लेवर के अंदर में दो मेन एंजाइम है अल्कोहल डिहाइड्रोजीस और एल डी जो कि एल्कोहल को तोड़ेंगे और उसको मेटाबलाइज करके आपकी बॉडी से बाहर निकलवाने की कोशिश करते हैं ये बात निर्धारित हो रही है आपके जीन से अगर आपका जीन ही है तो क्या होना चाहिए था कि डज नॉट मैटर कि क्या हो रहा है ये व्यक्ति भी एक पैगमेट टून होना चाहिए था और ये व्यक्ति भी एक पैगमेट उन्न होना चाहिए था ये सारा का सेल खेल आ रहा है फिलहाल जिसको बोलते हैं एपीजेनेटिक्स अब क्या देखेंगे आप कि जिस व्यक्ति ने जो एक भाई है उसको इस तरीके की संगत मिल गई थी कि जिसने पहले से दो बार दारू पीना शुरू कर दिया दारू पीने से क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर में क्या जाता है इन्फॉर्मेशन जाती है कि ये व्यक्ति दारू पी रहा है यार बहुत ज़्यादा तो क्या किया जाएगा कि मेरा जो डी है उसके ऊपर मैं मिथाइलेशन एसिडाइलेशन सल्फनाइलेशन इस तरीके की क्या करूँगा टैगिंग करूँगा चेपी लगाऊंगा लिटरली मैं चेपी लगाता हूँ अपने खास जीन पे कि ये बंदा जो है ना दारू बहुत पी रहा है तो क्या होगा कि कल को ये और पिएगा तो क्या करें कि पहले से इसके अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस पे ज़रा मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं ये टैगिंग होने से क्या रहेगा कि जो अल्कोहल डिहाइड्रोजने से कंपेरेटिवली ज़्यादा बनेगा अब ये ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा ये व्यक्ति अब जो पहले एक पैग में नशा जिसको आ रहा था अब इसको दो पैग में आएगा और यही है इसको बोलते हैं डिसेंसिटाइजेशन तो पहला पॉइंट जो जो चूहे की माँ अपने बच्चे को चार्ट लेती है समझे कितना छोटा सा पॉइंट है और वो ब, पर्टिकुलर बच्चा आगे चल करके जो है स्ट्रेस उस हम बेसिक लैब के अंदर में ना मेज़ बनाते हैं और उसका स्ट्रेस रिस्पांस चेक करते हैं चूहों का कि, कि, कि किस तरीके से स्ट्रेस रिस्पांस आ रहा है तो जिस जिस हमने कुछ बच्चे पैदा हुए निकाल के अलग रख लिए कुछ रहे जो कि माँ के उसमें रहे माँ के आंचल में रहे उसमें उसने चाटा उसको अब थोड़ा सा हाँ। दिया इस केवल इसके मात्र से उसके अंदर में जेनेटिक्स चेंज आता क्योंकि पॉइंट है कि वो अंडरस्टैंडिंग हमको बहुत अच्छे तरीके से है। और अब जब हमने इसको मेज पर चेक किया कि इसके अंदर में स्ट्रेस रिस्पॉन्सिस कम है और उसको हमने बाकायदगी से डीएनए के लेवल पर जीन में घुस के उसके सी पर मतलब ए एस, सी टी जी पर उन्होंने सी पर मिथाइल ग्रुप लगा है इस लेवल पर हमको उसकी एक्सप्लेनेशन पता है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट आपने कहा कि दूध पीना जो है कुछ बच्चों के अंदर में जो दूध पीने की उनको कहाँ से पता चला मिट्टी को नहीं खा लेता है इसकी भी कहानी बहुत बेहतरीन है इसको इननेट नेट कहते हैं अगर आप रॉयल इंस्टीट्यूशन के कुछ लेक्चर्स देखेंगे किसी बच्चे को क्या करें एक पर्टिकुलर ये चीज़ लें इसके ऊपर केवल दो आँखें बनाएं और एक ऐसे मुंह बना दें और उसको बच्चे को दिखाएंगे उसकी आँख ट्रैक करती है दूसरा बच्चे को अगर आप ऐसे पकड़ेंगे छोड़ेंगे तुरंत ऐसे पकड़ लेता है आप बच्चे को आ, कोई भी मेमोरी ग्लैंड दिखाएंगे दूध स्तन दिखाएंगे तो उसके ऊपर ये जो होठ है ये पकड़ करके उसको शकल करेंगे ये इसकी पैदाइशी वो है अब देखें जरा इसकी कहानी देखें क्या खूबसूरत है कि इतिहास में मैमल जो शब्द है मैमल है ना मैमल हाँ। शब्द कहाँ से आ रहा है स्तनधारी हाँ। मैम मैमरी हाँ। ग्लैंड से आ रहा है स्तन हाँ। से आ रहा है ठीक है और देखें कि हम मैं आज हम जो तो बोल पा रहे हैं ना ये बोलने का एक ही रीजन है क्योंकि हम लोग मैमल है ध्यान दीजिए क्या क्या हुआ कि इतिहास में कि वो बच्चे जिनके ये हॉट वाले मसल नहीं थे

एक्सप्लेनेशन मैं वो कह रहा हूँ एक्सप्लेनेशन बहुत ही बेहतरीन मौजूद है कि बच्चा मिट्टी क्यों नहीं खा रहा है या बच्चा दूध ही क्यों पी रहा है और किस तरीके से पी रहा है किस तरीके से वो पकड़ लेता है चीज़ों को इस यहाँ तक कि मतलब आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा ये सुनकर के कि कि आपने ये मैं आईसर पुणे के अंदर में मेरा इंटीग्रेटेड पी का एग्जाम था एक सवाल आया क्या सवाल है कि एक बंदर है जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी सांप नहीं देखा है है ना और उसके सामने रस्सी डाल दी गई इधर क्या और जवाब क्या है इसका कि क्या होता है कि आपका जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो देखने के बाद ये विजुअल कॉर्टेक्स है विजुअल कॉर्टेक्स से आप चीज़ों को समझते हैं देखते नहीं है यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं लेकिन जो नर्व्स हैं वो कहाँ से जा रही हैं लिमिक सिस्टम के जरिए ही जा रही हैं ये जो सांप है जो उसको सांप नजर आ रहा है कॉल्ड so मतलब कि उसके अंदर में आइडिया ये है कि ये उसको देखने से पहले जो उसका लिम्बिक सिस्टम है मैकडेला वगैरह है वो उसकी पैटर्न को पहचान करके ऑटोमेटिकली उसके बॉडी के साथ जो उसका एडल ग्लैंड है उसके साथ इस तरीके से उसकी कॉम्बिनेशन है कि उसके पहले से ही सांसते हो जाएगी धड़कन बढ़ जाएगी उसके समझने से पहले उसके पूर्वज अब फॉर द लैक ऑफ फिलोसफिकल अगर हम जाए उसके पूर्वज उसके अंदर में बैठ करके उसे बता रहे हैं कि भाई इससे डरना है इसको कहते हैं इन्नेट फियर चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन था कि क्या है इसका जवाब वह है इन्नीट फियर कि कुछ चीज़ें हमें इन्नीटली मिल जाती हैं उनके भी प्योर एक्सप्लेनेशन हमारे पास है और कुछ चीज़ें हम एक्वायर करते हैं अपनी जिंदगी के दौरान हाँ। उसके भी हमारे पास बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है जिस जो कि कहाँ से आ रहा है एपीजेनेटिक्स से आ रहा है अब जो आप एपीजेनेटिक्स की बात कर रहे हैं और अभी आपने बात की कि दो आइडेंटिकल ट्विंस में एक एक लीटर पीने के बाद भी नशा नहीं चढ़ रहा एक को चढ़ रहा है ये तो नॉर्मल व्यक्ति के भी साथ है आइडेंटिकल ट्विंस भी मत लीजिए मैं ही यहाँ से दारू पीने लगूँ तो एक समय के बाद ऐसा आएगा कि आज मुझे दो पैग में चढ़ती है तो एक बार दस पैग में भी शायद ना चढ़े तो तो आइडेंटिकल ट्विन का केस तो आप हटा ही क्योंकि वो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है क्योंकि वहाँ पर वो दोनों के जेनेटिक आइडेंटिसिटी की वजह से वहाँ पर जो बदलाव आएगा वो मुझे ज़्यादा अच्छा बता पाएगा कि ये बदलाव क्यों आ रहा है ये है और दूसरी बात इसमें यह है कि मैं बहुत अर्ली स्टेज की बात कर रहा हूँ बहुत बीस पच्चीस साल की बात की बात नहीं कर रहा हूँ कि जिसमें एक फैक्टर इन्वायरमेंट फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत अर्ली स्टेज पर मतलब ये मान के चलिए पंद्रह दिन एक महीने पे जो हम चीज़ें ऑब्जर्व अब कर सकते हैं हो सकता है एक बच्चा ज़्यादा सोता हो या फिर अलग तरह से रिस्पॉन्स करता हो तो उसमें जहाँ पर फैमिली सराउंडिंग का फैक्टर मिनिमम है और जीन जीनोम जितना कर सकते हैं उतना दोनों बच्चों के साथ इक्वल किए हैं तो बिहेवियर में डिफरेंसेस क्यों पाए जाते हैं और इस पर लीडिंग लीडिंग बायोलॉजिस्ट जो हैं हाँ बिल्कुल दो पर्टिकुलर फिलासफी हाँ दो पर्टिकुलर आइडियाज़ हैं एक फिलोसफिकल आइडिया बता देता हूँ मैं कि जब आपने कहा कि एक घर के अंदर में चार बच्चे हैं और मतलब कि अगर वो इस तरीके का सेम एनवायरनमेंट भी अगर उनको मिल रहा है तो यकीन माने उनको सेम नहीं मिल रहा है क्योंकि Same जो नहीं मिल रहा क्योंकि जो हाँ जो पहला बच्चा जब पैदा हुआ तो उस घर के अंदर में केवल एक मम्मी और एक पापा रहते थे जब उस घर के अंदर में दूसरा बच्चा मैं, मैं, हुआ, तो उसमें एक मम्मी एक पापा और एक बड़ा भाई मैं ट्विंस की बात कर रहा हूँ या फिर क्वारपल्स की बात कर रहा हूँ दूसरे एनिमल्स में दूसरा मैं फैमिली और सराउंडिंग का फैक्टर मिनिमम करने के लिए मैं बहुत अर्ली स्टेज की बात कर रहा हूँ तो अगर आप हमेशा फैमिली या इन्वायरमेंट पर आएंगे तो डेफ़िनेटली वो बिहेवियर में चेंजेस दिखने लगेंगे चाहे वो आइडेंटिकल ट्विन हो चाहे वो एक ही जायगोट से आने वाले पाँच दस बच्चे अगर पॉसिबल है आ, लेकिन अगर हम फैमिली और सराउंडिंग के फैक्टर्स को हटाते हैं और जीन जीनोम से केवल हम बॉडी और जो चीज़ें हैं उनको हटाते हैं तो बहुत ऐसा चंक बचता है जो अभी इनडिस्क्राइबेबल है जहाँ से बहुत सी बस बस ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ रैंडम डेवलपमेंट्स होते हैं और उससे उस बिहेवियर उस में चेंजेस हमें दिखते हाँ, हैं लेकिन इट नेवर इक्विप्स टू कर्मा फिलोसफी ना हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली exactly ये कर्म को हाँ। दिखा रहा है लेकिन वो जो रैंडम पोशन है क्या वहाँ पर ये वो उसका जो निमित्त कारण बोलते हैं फिलोसफी में जो उसका डायरेक्ट कॉज है हम अगर नहीं समझ पा रहे हैं उसको और अगर उसको इस तरह से देखा गया है कि वो हो सकता है मतलब ये तो एक एक फिलोसफिकल थाट है कि जिसका हम एम्पेरिकल एक्सपेरिमेंट करके नहीं बता सकते क्योंकि किसी ने अपना पुराना जन्म नहीं देखा है और मृत्यु के बाद नहीं देखा है लेकिन क्या ये फ़िलोसफी अभी तक जब तक एक्सप्लेन नहीं हुआ है साइंस क्योंकि साइंस तो वैसे भी जब तक एक्सप्लेन नहीं हुआ है तो नहीं नहीं मानेगा लेकिन क्या ये एक ऐसा पोशन अभी भी बचता है जो अभी इन हम नहीं समझ पाए हैं और जहाँ पर ये जो फिलॉसफी है कि कुछ हो सकता है हमारे कर्म संस्कार जो आए हैं जिसकी वजह से कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर है एक अर्माडिलो है जो अपनी गुफा में ही बैठे रहता है एक अर्माडिलो है जिसको बाहर आना बहुत पसंद है लेकिन अभी वो पैदा ही हुए हैं और जबकि एक ही जेवोट से आ रहे हैं और एक ही माँ के चार बच्चे एक साथ पैदा हुए हैं तो, तो आ, जैसे एक डेविड विंडन करके एक बायोलॉजिस्ट है काफ़ी फेमस साइंटिस्ट है तो वो भी ये कहते हैं कि जो 50 परसेंट है ये मेरे लिए शॉकिंग था ये जानना कि फैमिली और सराउंडिंग का जो हम अभी तक समझ रहे थे कि 50 परसेंट फैमिली और सराउंडिंग है 50 परसेंट जीनो हमारे डीएनए डिसाइड कर रहे हैं एक्चुअल में वो जो 50 परसेंट है वो फैमिली सराउंडिंग 50 परसेंट है ही नहीं तो वहाँ पर फिर मुझे वहाँ पर जब मैंने सुना ये बात और जब इसको समझने का प्रयास किया और इस बात को ट्रैक किया कि जो कर्म सिद्धांत की बात आखिर की क्यों गई हो सकता है इतनी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैदिक ऋषि बहुत ज़्यादा जीनियस थे हो सकता है इस बात की भी कि बच्चा ही क्यों पीता है इस बात के भी पुख्ता प्रमाण आज हमारे पास में अवेलेबल हो लेकिन उनका यह सोचना कि अभी जब बच्चा जस्ट पैदा हुआ है और उसके अंदर बहुत ढेर सारे हमें दिख रहा है जो आपने बात की कि हमारे पूर्वजों के इंस्टिंग हमारे थ्रू आ ही रहे हैं इनहेरिट हो ही रहे हैं हाँ, फिलोसफिकल लेवल पे। अच्छा ये भी फिलोसफिकल लेवल इन द सेंस कि वो क्या करूँ मैं कि उस पर्टिकुलर अगर आपने बात की जी मतलब पहले तो ये मैं बता दूं कि जब हम कहते हैं ना कि साइंस नहीं मानता है या साइंस हमने फिर द्वारा से भाई एंथ्रोपोजेनिक साइंस नहीं मानता है, है का मेरा जो मतलब है वो ये है कि अभी हमारे पास कोई एम्पेरिकल या हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं हुआ है जिनके बारे में जानकारी मेरा नहीं है, नहीं है। <laughs> नहीं, मैं <किसी laughs> का भी नहीं है मैं तो बोल रहा हूं कि <laughs> जब मैं बोलता हूँ साइंस को नहीं पता इसका मतलब नहीं है कि साइंस मेरा अपोनेंट है साइंस को नहीं पता मतलब ये हमारे पास अभी रिपीटेबल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन नहीं है बस हमारे पास एक आफ्टर थॉट या फिर एक थॉट प्रोसेस है एक्सपेरिमेंट से जिस पर हम बात कर हाँ हाँ रहे हैं हैं हजारों चीजें ऐसी हाँ। तो बस इतना किया कि आपने जिन चीजों को स्पेसिफिकली बोला कि ये नहीं पता है मैंने तुरंत उनके लिए दलीलें पेश कर दी कि सर ये रही इनकी दलीलें हाँ। अब फिर भी ये बात बात हाँ। बोलने के बाद भी, हाँ। हाँ। भी हजारों चीजें ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है एडमिट करें नहीं है चलिए ढूंढते हैं आइए मिल करके बस एक बात और जो डिवाइन कॉन्शियसनेस की हो रही थी उसको भी जैसे कि हम बाहर से सुनते हैं तो हमें लगता है कि Uh, कैसे डिवाइन कॉन्शियस हम जब अपनी कॉन्शियसनेस को समझने जा रहे हैं yes, हम एक yes, नई कॉन्शियसनेस को ईद yes, कर बैठे yes, तो उसमें क्या होता है ना कि मैंने भी इसको समझने का प्रयास किया कि कैसे डिवाइन कॉन्शियसनेस एक गॉड कॉन्शियसनेस है मैंने एक एक एक, एक फिलोसोफर नहीं है एक क्वांटम फिजिसिस्ट हैं उनसे पूछा गया कॉन्शियसनेस क्या है आप अपनी डेफिनेशन बताए जैसे आपने बताया ना पंद्रह किताब लेके होंगे पंद्रह डेफिनेशनस हैं वेदांत की अलग है व, व, कोई पैनसाइकिसिजम में जा रहा है कोई फिजिकलिज्म में जा रहा है अलग अलग आइडलिस्ट भी हैं सब्जेक्टिव लिस्ट हैं सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है तो एक क्वांटम फिजिक्स डेफिनेशन देते हैं कि कॉन्शियसनेस वो चीज़ है जो जो मैटर को बदल रही है जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू मैटर में कुछ चेंजेस लाती है ये क्वांटम फिजिसिस्ट का अपना एक मत है तो वहाँ से मुझे लगा कि अगर मैं बिग बैंग थेरी को ओरिजिन ऑफ दिस यूनिवर्स मानता हूँ और ये मानता हूँ जो कि पैराडॉक्स है कि स्पेस नहीं था फिर भी स्पेस में कोई एक पॉइंट था उस पैराडॉक्स को अभी हम असाइड करेंगे वो जो पॉइंट था अगर वो इतना छोटा था कि जहाँ पर क्वांटम फिज़िक्स ही एप्लीकेबल थी और वहाँ पर वेव फंक्शन थी प्रोबेबिलिटीज थी यूनिवर्स अलग अलग यूनिवर्सिस की तो वेव फंक्शन ब्रेक करने के लिए एक ऑब्जर्वर होना चाहिए तो इस यूनिवर्स के बनने के लिए एटलीस्ट कोई ऑब्जर्वेशन ऑब्ज़र्वर होना चाहिए hmm. वो ऑब्जर्वर मुझे लग रहा है वो गॉड कॉन्शियसनेस है जिसने इस यूनिवर्स को ऑब्ज़र्व करके वेव फंक्शन को कोलैब्स करके इस यूनिवर्स के अंदर में, में देखिए कितनी प्यारी बात है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि स्पेस और टाइम कॉन्टिन्यूम जो है वो मतलब कि जब हम बिग बैंग कहते हैं ना हाँ। या फिर गॉड पार्टिकल कहते हैं अगर पहले तो मैं इसको क्लियर कर दूँ हाँ। कि ये दोनों ही ना साइंटिस्ट मज़े लेने के लिए नाम रखा गया ठीक है <laughs> क्योंकि गॉड पार्टिकल का जो उन्नीस के अंदर में जिस राइटर ने ये टर्म कॉइन किया है ना वो गॉड डैम पार्टिकल नाम रखना चाह रहे थे उनके पब्लिशर अच्छा। ने बोला कि भैया ऐसा है कि जो है तुम ऐसे ऐसे नाम मत रखो तो थोड़ा सा वो हो जाएगा अब देखें कितनी कितनी अजीब बात है कि उस व्यक्ति को क्या नाम रखना चाहता है गॉड डैम पार्टिकल उसको पब्लिशर ने बोला भाई साहब नहीं गॉड पार्टिकल रख लेते हैं गॉड पार्टिकल रख लिया अब गॉड पार्टिकल हम लोगों ने क्या करा हमने बोला अरे गॉड पार्टिकल अच्छा 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 पार्टिकल में गॉड अच्छा मतलब क्या कण में भगवान अरे ये तो हमने पहले से बोला हुआ है अरे भाई वो व्यक्ति ने नहीं बोला था ये वाली बात के गॉड इसी तरीके से बिग बैंग थ्योरी ये मजे लेने वाले नाम ये लोग हर चीज़ में करते हैं ये साइंटिस्ट लोग है जॉब मतलब आपको नाम पढ़ा दिए ना मैंने जीस के क्या नाम रखते हैं प्रोटीन्स के क्या नाम रखते हैं आप हंसते हंसते मर जाएंगे क्योंकि नर्स की जिंदगी में वैसे ही चीज़ें नहीं होती हैं तो वो जो ये चीज़ें डिस्कवर करते हैं ना उसका नाम इतना खुराफाती रखते हैं वो लोग और उसी तरीके से बिग बैंग थ्योरी भी नाम उसी पर्टिकुलर परिपेक्ष में आता है क्योंकि हम कहते हैं ना शुरुआत वहाँ पर शुरुआत शब्द भी एप्लीकेबल नहीं है नहीं। इतना जैसे ही आपने कह दिया कि वहां पर देर वॉज अ थर्ड पर्सन ऑब्जर्विंग द मतलब कि स्टार्टिंग ऑफ उसको हाँ तो अगर ऑब्जर्व वो खत्म हो गई ना बात मतलब हाँ। कि वो जब जब समय ही समय का अगर आप कार्लो रोवेली का काम पड़ेंगे कार्लो रोवेली ने मतलब कि द फंडामेंटल पर अगर मैं जाऊँ तो सेकेंड ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की वजह से एग्जिस्टेंस में आता है टाइम खैर थोड़ा सा एक कदम ज़्यादा हो जाएगा वापस आते हैं कि ये बात तो यहाँ पे किसने अच्छे तरीके से खत्म हो गई ना कि अगर आपने कहा कि मैं कोई थर्ड थर्ड अगर अगर देख रहा है स्पेस हम अपने अपने यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तब तो नहीं है अनइमेजिनेबल है हमारे थ्री डायमेंशनल हमारी फिजिकल बॉडी का थर्ड पर्सन तो स्पेस ही नहीं है वहाँ मतलब स्पेस की भी हम कल्पना लेकिन उससे परे अगर कोई चीज उसको ऑब्जर्व कर रही है लेकिन उसका ऑब्जर्व आ गया ना लेकिन थाट मतलब हाँ। इसका कुछ वो नहीं है जैसे अगर मैं बोला कि अगर गॉड कॉन्शियसनेस ऐसी बात हो रही है और अगर हम कॉन्शियसनेस को ऐसा देखें जैसा कि देखा जा रहा है क्वांटम फिजिक्स में कि एक कॉन्शियसनेस है जिसकी वजह से जो इन दे, इन है वो कोलेप्स होता है और हमें एक डिटर्मिनिस्टिक चीज़ मिलती है अगर ये इस यूनिवर्स को हम डिटर्मिनिस्टिक चीज़ मान रहे हैं इसको हम देख रहे हैं तो इसको किसी ने ऑब्जर्व किया होगा अगर देखिए दो बार अगर मैं समझ रहा हूँ मैं आपकी आवाज़ को बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एक आइडिया है वो आइडिया ये है कि जैसे ही ऑब्जर्वर आता है तो हमें अलग तरीके का हाँ। जो है पैटर्न देखने के लिए मिलता है और मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर में अब जब ऑब्जर्वर नहीं होता है तो अलग तरीके का पैटर्न देखने हाँ। के लिए मिलता है इसी आइडिया को जब किसी व्यक्ति ने एक्स्ट्रापोलेट किया तो उसको संसार के लेवल पर उस आइडिया को एक्स्ट्रापोलेट हाँ, करने की हाँ, कोशिश की हाँ, और कहा कि जब कुछ कोई देख रहा है तो अलग तरीके की चीज़ें एग्जिटेंस में आ रही हैं और जब नहीं देख रहा है तो अलग तरीके की ऐसी चीजें एग्जिस्टेंस में आ रही है बहुत ही खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत ख्याल है ख्याल है

शिष्टी का कौन है करता हाँ, हाँ, कौन है धरता हाँ, हाँ, सुना होगा उसका मैं संस्कृत के exactly हाँ, हाँ, ही का का क्रिएशन उसमें पूरा वर्णन किया गया हुँ, है, हुँ, है कि कौन था जब कुछ नहीं था हाँ, हाँ, वो कौन था जो सांस ले रहा था जब कुछ नहीं था अब समझ रहे हम ह्यूमन है हमारी क्यूरियोसिटी है और अभी क्या है कि हमारा जो कंक्लूजन है अभी सिमिलर है 3000 साल पहले भी हमें इतना नहीं पता था अभी भी नहीं पता है अभी बस ये है कि हमारे पास प्रोसेसेस हैं जैसे और भी अलग अलग प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू मैं पता चला है कि नहीं पता चला या तो एग्जैक्टली exactly, मैं अभी यहीं पे ये यह पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा कि साइंस इज ऑल्सो इवॉल्विंग राइट वेन वी मेक डिस्कवरी एक समय था जब न्यूटन्स uh, लॉ लोग शायद नहीं फॉलो करते थे ग्रेविटी ग्रेविटी क्योंकि तो न्यूटन हैपन टू डिस्कवर ओ दर इज अ लॉ ऑफ ग्रेविटी बट लॉ ऑफ ग्रेविटी एक्जिस्टेड इवन बिफोर न्यूटन है, तो ओ, Newton, है ना न्यूटन हाँ, हाँ, हाँ. तो काफी सारे लॉस पहले से एग्जिस्ट करते थे करते रहेंगे मगर

Hmm. ताकि हमें मालूम पड़े कि कुछ ब्रेन में ट्यूमर है आज हम सेलुलर लेवल फंक्शनल एम आपके थॉट प्रोसेस जैसे कि आप अभी कैरम खेल रहे हैं जब आप ये फिंगर से एक स्ट्राइक करते हो तो आपकी ब्रेन के अंदर एग्जैक्टली exactly कहां पर कौन सा एरिया फंक्शन कर रहा है इसके लिए हाँ. सब कुछ मालूम किया गया ये जो जो चीजें हम पहले जानते थे वी आर रिवॉल्विंग दैट दैट इज इज मतलब रिंग आई लव साइंस बिकॉज उसमें हम प्रूव कर पा रहे हैं और उसके लिए प्रूफ दे रहे हैं तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो साइंस विल प्रोबेबली प्रूव लेटर सेम थिंग अबाउट कर्म जो कुछ भी है जैसा कि इन्होंने कहा कि वो आ, एक रस्सी को देखकर दैट फियर केम बिकॉज बट इन दूसरा शंकराचार्य के अगर आप uh, जो ओरिजिनल बुक्स पढ़ेंगे उनकी विवेक चुड़ामी और वहां पर रूम में रख दिया जाए पूरा अंधेरा वहां पर एक रस्सी रखी जाए तो आप उसको एक स्नेक समझ कर बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस आपके भीतर जाएंगे आपको अरे कह मेरे को खा लिया आपको लगे कि अरे मेरे पॉइजन भी चढ़ गया और आप एक पूरी कहानी बनाकर वहां पर बेहोश हो जाएंगे जबकि कुछ भी नहीं हुआ है राइट तो ये एक एक हमारा पूरा कंडीशनिंग जो 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 पहले से आया है फियर बेसिक बेसिक हम कहते हैं हैं कोर इमोशंस होते वो निकल के आते हैं तो ये धीरे 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 जो ऑलरेडी मैं मानता हूं कि बहुत सारी चीजें हमारे जो ऋषि मुनि थे जानते थे हुँ, हुँ। बहुत सारी चीजें जानते थे उसको भी हम साइंटिफिक लेबल दे रहे हैं प्रूफ करने के द्वारा और बहुत सारी चीजें ऐसे ही डिस्कवर होंगी जो कई सारी ऑलरेडी मेरे ख्याल से लिखी गई है हुँ, हुँ, हुँ। इसमें आपको ऐड करना है कि मैं हाँ मतलब कि इसके अंदर मैं बस एक एपिस्टेमोलॉजिकल आर्गुमेंट ऐड करना चाहूँगा हाँ। और वो हाँ। ये है कि द मोमेंट आप ये स्टेटमेंट देते हैं कि साइंस विल प्रूव लेटर इसको अगर आप उठा के देखें तो इसके ऊपर आपने असल में क्या बात कही है कि वी नो दैट इज फॉर श्योर ट्रू और फिर ये तो साइंस है जो आगे धीरे धीरे आएगी और इसको प्रूव करेगी लेकिन आप देखें कि इसके अंदर में एक्जियम क्या है आप इसमें निहित करके दे रहे हैं बात देखो मैं दे रहा हूँ तुम्हें तो ये बाद में साइंस को ये सामने वाले को तो बाद में पता चलेगा तुमको मैं पहले दे रहा हूँ तो ये इस तरीके का नजर आता है चीज़ें लेकिन जो कि हमको मालूम है कि भाई आप मैं इसमें विश्वास ही नहीं करता कि कोई इंडिविजुअल भाई बात लाओ आओ खोल करके देख लेते मेरा ये पॉइंट इसके लिए कहना का था क्योंकि आइडेंटिकल ट्विंस का आपके पास आंसर नहीं है तो आपने एक फिलोसफी था दी ना नहीं नहीं बताइए वाला so, <laughs> या तो कि इनका यही तो प्रश्न था मेरा जो था, चार्थ। अर्ली चार्थ था, अर्ली अर्ली था आपका आंसर दिया ही नहीं आपने तो मैं, मैं बताता इनका उसको बार बार ये थे उसका भाई आ गया वहां पे क्वेश्चन पहुंचा ही नहीं है क्वेश्चन वहीं पर था गिवन सेम सर्कमस्टेंसेज व्हाई टू आइडेंटिकल डिफरेंटली एवरीथिंग सेम तो उसका आंसर आपने क्या दिया कि मे बी कुछ तो फिलोसफी होगी पहले से कुछ ये होगा तो वो आंसर जो है अभी हमें नहीं मिला है तो मेरा, हाँ, 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 तो वॉट माई पॉइंट इज दैट नॉट टू टेल दैट वॉट एवर इज गिवेन इन द पास्ट एवर दे ओल्ड इज करेक्ट मेरा सिर्फ पॉइंट ये था कि हो सकता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो है हम जानते नहीं हैं <laughs> You know, slowly slowly like फिलोसफी थे तो, और फिलोसफी में हमने इतना काम कर लिया है इतना ज्यादा काम कर लिया है क्योंकि हमारे पास साइंटिफिक टूल्स नहीं थे तो हमने थॉट एक्सपेरिमेंट में फिलोसफी में इतना लिया है की अगर हम फिलोसफिकली कहीं पहुंच रहे तो वो एट द एंड ऑफ द डे वो मैच कर ही जाता है पहले से क्योंकि फिलासफ़ी में वो एक एक समय था जो थाउजेंड बी से लेके हमारा फिफ्थ एडी तक टेंथ एडी तक जो समय था हमने फिलासफी में ही काम किया है केवल इंडिया ने ही नहीं ग्रीस ने भी और अलग अलग सिविलाइजेशन ने तो अगर हम आज फिलासफी के थ्रू कुछ पहुंचते हैं या ऐसी कोई साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग होती है हमारी एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आता है जो किसी फ़िलासफ़ी को बैक करता है तो कहीं ना कहीं मिल जाएगी चाहे वो ग्रीक फ़िलासफी में मिल जाए चाहे वो इंडियन फ़िलासफी में मिल जाए आप तो हम लोग जो अभी बात कर रहे थे ना इसके बारे में कि आपने कहा कि अलग अलग देशों के अंदर में के, ग्रीक के अंदर में भी है वो पुराने लोगों की जो आइडियाज़ हाँ निकलेंगे लेंगे मैं बस ये बात उसमें ऐड करना चाह रहा था कि ये पहले और अब के संदर्भ में नहीं अभी के संदर्भ में भी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है इसको स्कूपिंग बोलते हैं हमारे मतलब रिसर्च के भाषा में कि दो व्यक्ति दो अलग अलग जगहों पर बिल्कुल आइडेंटिकल आइडिया के साथ आ जाएँ अब इसका बहुत प्यारा एग्जाम्पल है डारविन और अल्फर्ड रसल वॉलिस का डारविन भाई साहब जो हैं वो अपनी जवानी में ही आइडिया कर चुके थे खुश एक मिनट अगर लूँ हाँ। मैं डार्विन भाई साहब यूनिवर्सिटी ऑफ एडेनबरा से कर रहे थे एम अब उस जमाने में क्या था कि अनिस्थितिया वगैरह नहीं थे अब ये देख करके इनकी वाट लग गई अब इन्होंने छोड़ दिया फिर लॉ वगैरह के अंदर में गए वहाँ पर भी वाट लगी वो भी छोड़ दिया इनकी डिग्री डिविनिटी में है डारविन भाई साहब की हाँ। और उसके बाद उन्होंने जब ये आइडिया निकाला उन्होंने बहुत भर भर के किताबें लिखी और वो सब किया कभी कुछ पब्लिश नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि ये आइडिया द आइडिया ऑफ गॉड को भी चैलेंज करेगा अब हुआ यूं कि यहाँ पर दूसरे व्यक्ति आते हैं क्योंकि वैसे ही जो डार्विन भाई साहब है उनका इतना बड़ा नाम हो चुका था इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर में कि के, के लोग उनको खत लिखा करते थे मतलब कि मेंडल तक ने उनको खत लिखा है वो खत उन्होंने कभी खोल के नहीं देखा लेकिन मेंडल ने भी उन्हें खत लिखा है वो कभी कहानी अब किसी और दिन सुनेंगे तो अल्फर्ड रसल वॉलेस ने भी उन्हें लिखा कि सर ऐसा ऐसा ना मेरे को पता चला है कि ऐसे ये तरीके से चीजें बदलती हैं एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज में ऐसे बदल रही है ओह डार्विन भाई साहब का सर झगड़ा है कि भाई साहब ये तो मतलब मैं अब आई वा सिटिंग ऑन इट सो मेनी इयर्स मैं के, हाँ, क्या हाँ। तो फिर दोनों ने मिलकर के हाँ। पेपर जो है पब्लिश किया अल्फ्रेड रसेल वॉलेस और डार्विन ने और डार्विन का नाम इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने साथ में फिर अपना जो पूरी ग्रंथ था उसमें से एक पार्ट निकाल करके किताब पब्लिश कर दी और वो पहले दिन से ही बेस्ट सेलर रही तो कभी आप सेम आइडिया के लिए कभी अल्फर्ट रसल वॉलेस का नाम नहीं नाम सुनते नहीं हैं सुनते। लेकिन आप डार्विन का नाम सुनते हैं तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि दो समकालीन लोग या फिर समकालीन न भी हों बहुत समय का अंतराल भी हो दोनों के अंदर में तो वो सेम उस पर आ सकते हैं जो दूसरा पॉइंट एक मैं बस डबल क्लिक करके छोड़ना चाहूँगा कि वो वाला जो आइडिया था ना कि आइडेंटिकल ट्विन वाला कि अगर लेकिन आप देखें कि इसमें ये थ्योरिटिकल आइ एक्जियम है क्या थियोटिकल एक्जियम है कि आपने कहा कि रत्ती भर भी बदलाव नहीं है जो कि फिजिकल रेल्म में ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है आपने कदम भी चल दिया आपने सांस भी ले ली उसके अंदर में मौलिक मतलब कि आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा कितने ज़्यादा सटीक लेवल पर भी वो बदलाव जो है वो आ सकते हैं तो मैं थ्योरेटिकल लेवल पर इस बात से एग्री करता हूँ कि अगर ये एग्जियम हम ले रहे हैं कि बच्चे दो पैदा हुए हैं आइडेंटिकल ट्विन है और उनके आइडेंटिकल एन्वायरमेंट रखा गया है एक मॉलिक्यूल भी उसके अंदर में भी चेंज नहीं किया गया है और उसके बावजूद भी अगर मुझे बदलाव देखने के लिए मिलते हैं जो आई एम नॉट श्योर के मिलते हैं अगर मिलते हैं तो वी नीड टू लुक इन टू इट एज सिंपल एज दैट इसमें जो आपने बात की डार्विन जी की मुझे जो क्या खूबसूरत लगता है साइंटिस्ट को लेकर ये इतनी बड़ी चीज़ मेरी मतलब मुझे क्या खूबसूरत लगता है साइंटिस्ट को लेकर कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर जाते हैं और डरे रहते हैं जैसे डार्विन जैसे डरे थे ऐसे ही नील्स बोर हो गए या फिर प्लैंक हो गए जब उन्होंने देखा कि क्वांटा ऑफ रेडिएशन वो पा, वो बत, बता ही नहीं पा रहे इस बात को साइंटिफिक कम्युनिटी से बात ही नहीं कर पाए कि ऐसा भी कुछ पॉसिबल है तो साइंटिस्ट इतना काम करते हैं और डरे रहते हैं और एक फिलोसोफर आएगा वो अपनी कुछ बताएगा और उसके बाद उसकी एक कल्ट फॉलोइंग हो जाती है तो ये एक 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 मीम मटेरियल uh, कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि इसका एक, सबसे कॉमन एग्जाम्पल ना रिचर्ड डॉकिस और डिराक है हाँ। रिचर्ड डॉकिंस नहीं सॉरी माई बैड uh, रिचर्ड फाइनमैन और डिराक डिराक हाँ। का भी अहदा फिजिक्स की कम्युनिटी में एक कदम आगे मान लीजिए फाइनमैन से लेकिन आपने कभी डिराक भाई साहब का नाम नहीं सुना होगा लेकिन जो फाइनमैन हैं है उनके वाकपटूता इतनी है। खतरनाक है कि खुद दो तीन किताबें <laughs> जब बोलते हैं तो भाई साहब दुनिया खड़े होकर के सुनती है उनकी बात हाँ। और और मतलब फॉर्चुनेटली कि वो उसके अंदर में भी बेहतरीन रहे मतलब काम के अंदर में भी बेहतरीन रहे और बोलने के अंदर में भी बेहतरीन रहे हाँ। दिराग जो है वो काम उनसे एक कदम आगे किया हाँ। लेकिन कभी वो इस तरीके हाँ। से बोल नहीं पाए हाँ, उसका हाँ। नाम नहीं और ये सेम मेरे ख्याल से इस बात की एक्सप्लेनेशन है कि क्यों फिलोसोफर के पास एक ही टूल है और हाँ। वो है बोलना बचनों की वही हम कहते हैं कि इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा इसके अंदर तो ये ना हर जगह होता है इवन फिलोसफर्स में होता है ऐसे बहुत सारे योगी हैं जो कुछ नहीं बोलते हैं आपको ऐसे-ऐसे योगी मिलेंगे जो हम सोचते हैं ना कि ऐसे कैसे हो सकता है वो कर सकते हैं मगर तो वो कुछ बोलेंगे नहीं चुपचाप बैठे रहेंगे तो ये हर एक फिल्म में होता है वो अगेन कमिंग बैक टू ह्यूमन कंडीशनिंग उनका कंडीशनिंग ऐसा है कि उनको उन्होंने रह उन्होंने जिस फिलोसफिकल पाथ को लीड किया है उसमें यह है कि वो वही है कि जो आत्मा काम दैट इज व्हाट उनका ये था कि वो करना ही है उनका उनका पार्ट था वो रोल था रोल और दूसरा ये कि अभी हमने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे बहुत बात किया है कॉन्शियसनेस पे और अब मैं चाहता हूँ कि अब हम थोड़ा ऑब्जेक्टिव चीज़ों को भी देखें उसमें उसमें मैं ये चाहूँगा प्रश्न मेरा ये बनेगा कि पहली बात तो अगर हम मोस्ट ऑफ द फिलोसफीज इंडियन फिलासफीज को देखें तो जो हमारा आ, बाहरी जो चीज़ों को हम देखते हैं जिसे हमने अलग किया है और जो सबसे लेटेस्ट हमने डिकार्ड को देखा है जिन्होंने बोला कि मैटर और माइंड अलग अलग है ये बहुत एंशेंट फिलासफ़ी है जो हमारी ईस्टर्न फोसफ़ीज़ में दिखती है तो हम हमेशा से जगत को मिथ्या भाव से देखते हुए आए हैं अभी साइंस में भी मैं इसमें आऊँगा साइंस में ऐसा है कि जैसे आपने बताया अभी एफ हम करते हैं कि हम जब कैरम खेल रहे हैं तो हमारे साथ क्या हो रहा है और ऐसे भी एक्सपेरिमेंट हो गए हैं कि जो हम इसको स्टिमुलेट करके उसको हम फीलिंग दे सकते हैं कैरम खेलने की कि नेसेसरी नहीं कि कैरम रखा है नेसेसरी नहीं है कि आप कश्मीर में हो या ठंडे मौसम में हो अभी मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी जिसमें आपकी नर्व एंडिंग्स जो हैं उनको आर्टिफिशली स्टिमुलेट करके जो फील होती है सेंस ऑफ टच है चाहे हॉट हॉटनेस है कोल्डनेस है या इचिंग है ये स्टिमुलेट किया गया माइस पे तो हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव रियलिटी की तो इस तरह से आवश्यकता है ही नहीं हमारे जो सेंसेज हैं वही क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हम स्टिमुलेट करके वो एक्सपीरियंस पा सकते हैं अगर हमें गर्म चाहिए त्वचा तो अच्छा पे तो वो जो नर्व एंडिंग्स हैं उस नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट कर अब मुझे नहीं पता ह्यूमन पे हो पाया कि नहीं हो पाया बट माइस पे ये लैब रिसर्च की जा चुकी अब है अब इसमें देखें ना कितने सारे पॉइंट खुल कर के आ रहे हैं हाँ क्या पुदीना जो मिंट का जो फ्लेवर होता है क्या उसके अंदर में कुछ ठंडा है लेकिन वो क्या दे रहा है एल्यूजन दे रहा है ना ठंडे का हाँ हाँ मतलब आप देखें तो ये क्या है आपका उसी के लेवल पे आ गया क्योंकि परसेप्शन है ना वो हाँ. मिर्च के अंदर में उसका जो सिमिलर शब्द हम इस्तेमाल करते हैं कैप्सिसिन के रिसेप्टर की वजह से हुँ. वो हम इस्तेमाल करते हैं हॉट का क्योंकि आपके फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स तक पसीना आने आपको शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो आपके उस पर्टिकुलर सिस्टम को एक्टिवेट करने की क्षमता रखता है इसके अलावा आप देखें तो एपिलेप्सी एपिलेप्टिक सीजर्स आते हैं जब लोगों को तो क्या होता है कि वो एक हेमिसफियर से दूसरे में फैल रहा है तो उनका जो कॉर्पस कॉलोसम मतलब कि जो दो हेमोस्फियर हैं लेफ्ट और राइट उसके कॉर्पस कोलोसम को लिटरली काट दिया जाता है अब काटने की वजह से क्या है कि अब ये सामने स्क्रीन रखी है स्क्रीन के ऊपर में आ, आपका लिटरली व्यक्ति विशेष जो है ए, एक उनका उनके ब्रेन के एक पार्ट को लिखा हुआ नजर आ रहा है जो लिखा हुआ है और लेकिन वो एक्टिवली लाखों से नहीं देख सकते वी एस रामाचंद्रन मैं बस रेफरेंसेस दे देता हूँ कि किसके अंदर में आपको

मतलब कि दो चीजें आपस में ये क्या क्या कर रहा है 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 मतलब कि 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 एक 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 कई चीजों में से उसका हिस्सा बातें बातें करवाना करवाना और हाँ, की कर हम ल, लेफ्ट और की हम भी बात करेंगे पहले ये हाँ, ये समझते हैं ये, क्या है? कि ये किस तरीके से मैं तो बस आपको आपने जो बातें कही उसके और एक दो एग्जाम्पल बस उसमें दे रहा हूँ कि किस तरीके से परसेप्शन जो है माइंड जो है Uh, जैसे कि हम हीट की बात अभी हम थोड़ी देर पहले हीट की बात कर रहे थे माइंड एक्सेप्ट नहीं कर, कर, करता है इसलिए बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है राइट हाँ। right? जो माइंड में जो मेंटल लेवल पे जो होता है वही बॉडी को इफेक्ट करता है तो एक फील्ड है साइंस के अंदर लाइक पीपल डोंट नो मच अबाउट इट कॉल साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी अच्छा साइकोलॉजी न्यूरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी उसका लिंक है सो so, uh, हमारे काफी सारे जो हॉर्मोन्स है पिटिटरी ग्लैंड से जो निकलते हैं इज वन अनदर एरिया तो आपके जब आपके भीतर फियर आता है राइट hmm. right, तो मेंटली फियर आया है बट दैट मेंटल फियर के द्वारा हॉर्मोन्स आर सेक्रेटेड कॉर्टिसोल दिस होल पाथवे ऑफ हॉर्मोन्सेडिसमोनल सेक्रेशंस व्हिच जो आपके फिर बॉडी के पार्ट्स को अफेक्ट करता है आप डर गए हैं तो ये पार्ट्स ये ऑटोमेटिकली सिकट होता है इट इज लाइक अ वेरी नोन वेल नोन साइंटिफिक फैक्ट तो आपके अगर भीतर फियर hmm. वेयर द फियर इज एक्चुअली नॉट नीडेड आप सेल्फ हाँ क्रिएट करते से हैं सिक्रिएट तो होता है तो आपको समझ आए मेंटली आपके थॉट प्रोसेस के द्वारा फिजिकल बॉडी इफेक्ट हो रही है जहां पर है नहीं तो ये मेंटल हेल्थ का जो हम जो सेशंस करते हैं जो हाँ मैं हाँ बहुत हाँ। सालों से करता आ रहा हूं हाँ हाँ। यही समझाता है कि इट्स ऑल इन योर माइंड तो स्ट्रेस जो stress लेते हैं ये स्ट्रेस इज गुड स्ट्रेस के द्वारा यू नो यू प्रोग्रेस इन लाइफ बट हम जहां पर स्ट्रेस नहीं चाहिए वहां पर एक स्टोरी बनाते हैं

क्या ठंडा है ये नहीं है ध्यान <laughs> से सुनीगा हाँ. अभी हमारे पास गन होती ना हम इसका टेम्परेचर लेते इसका टेम्परेचर लेते आइडेंटिकल आएगा क्योंकि ये दोनों चीजें इस कंपनी में बहुत देर से बैठी हुई है प्रॉब्लम हाँ. क्या है ये मेटल है इसका जो कंडक्टिविटी हाँ. है वो केवल और केवल अंतर आ रहा है कि ये दोनों हाँ बस केवल और केवल आपसे हीट जल्दी खींच के लेकर के जा पा रहा है लेकिन क्या हमें इसकी वजह से अगर फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड ऑब्जेक्टिव रियलिटी अगर मैं कहूँ तो क्या, क्या? क्योंकि मैं, आपने हमने ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो को छू ही नहीं पाया ना क्योंकि टेम्परेचर के लेवल पर ये दोनों आइडेंटिकल हाँ हैं है। लेकिन परसेप्शन के लेवल पर ये गर्म है ये ठंडा है हाँ एक हाँ केवल आपकी बात को एक डबल क्लिक करने के लिए आपकी बात को डबल क्लिक करने के लिए कि अगर इसी आइडिया को एक फिल्म आई थी आफ्टर अर्थ विल स्मिथ थे उसमें और उनके बेटे भी थे तो उसके अंदर में थी ये फिलोसफी के दो शब्द हैं डेंजर और फियर ये दो शब्द से चार परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं डेंजर है फियर है डेंजर है फियर नहीं है डेंजर नहीं है फियर भी नहीं है और फियर है डेंजर नहीं है अब देखिए अब डेंजर भी नहीं है फियर नहीं है नॉर्मल जिंदगी चलती है छोड़ दो इसको डेंजर भी है फियर भी है मतलब शेर सामने है और फियर लग रहा है लॉजिकल बात है भाई भागो निकल जाओ ठीक है इसको भी हटा दीजिए अब वो व्यक्ति जो कि डेंजर नहीं है मरेंगे नहीं है, आप आप होमवर्क कंप्लीट नहीं करके लेके गए लेकिन फियर है एग्जिस्ट कर रहा है और ये है वो पर्टिकुलर चीज़ जिससे आजकल हम सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं वह सर की बात को मैं कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कि जिस पर्टिकुलर में आपको एग्जिस्ट एग्जिस्टेंशियल डेंजर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन फिर भी आपके अंदर में जो फियर है वो इंड्यूस्ड है, है। और वो कॉन्टिन्यूस लेवल पर इंड्यूस्ड है शॉर्ट टर्म स्ट्रेस इज वेरी गुड आप जितना देख रहे हैं ना हॉट uh, शार कोल्ड शार uh, थोड़ा सा खाना ना खाना और क्या नाम है फास्ट uh, फिट जिसको बोलते हैं नहीं। नहीं। बॉडी के लिए एक्सरसाइज एक्सरसाइज करना हाँ, जो हाँ, करना जो हाँ, तेजी से या फिर खाना ना खाना लैब के अंदर में हमने मिनिमल मीडिया शब्द बोलते हैं जिस ऑर्गेनिज्म को हमने मिनिमल मीडिया पे रखा जी, कि किसको बस जिंदा जी, रहने के लिए इतने खाने की जरूरत है उन सब ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन बढ़ाए और अच्छे परसेंटेज से बढ़ाए तो इसको मैं वापस लेकर कह रहा हूँ कि सर वाला पॉइंट के लिए कि किस तरीके से जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है कंपेरेटिवली हमारे बटर है ये जो लॉन्ग टर्म आता है ना जिसके अंदर में कॉर्टिस पढ़ाई नहीं, पढ़ा एलिवेटेड ही आपके बॉडी के अंदर में तो उसके बहुत रॉबर्ट सपोल्स का, का काम बहुत बेहतरीन है इसके ऊपर केनिया में जाकर के बबूंस पर उन्होंने क्या होता है बबूंस का ना वहाँ फंडा है कि उनको खाने के लिए इंतहाई मौजूद है उन पर खाने के लिए लड़ाई नहीं हो रही है अच्छा अब क्या हो गया कि अब खाने के लिए बबूंस को लड़ाई नहीं हो रही है तो अब इनके अंदर में सोशल स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते हैं और इनके ऊपर हमारे से रिलेटेड जो स्टडी है जो कि हमारे अंदर में ना हरारकीस क्रिएट होती हैं और इसको लेकर के स्टडीज़ बड़ी अच्छी हैं केनिया में रॉबर्ट सपोल्स की स्टैंड फोर्ड की उनकी लेक्चर सीरीज़ भी है हर व्यक्ति के लिए मस्ट मस्ट वॉच सीरीज़ है और उसके अंदर में सर की बात कोई कॉम्प्लीमेंट करते हुए कि जो कि uh, माइंड के लेवल पर ही है कि आपको लग रहा है कि हर वक्त आपको डर लग रहा है बट डेंजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है आउट देयर हम्म 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 इसमें आ, आ, जो बात हुई अभी तक हमारी मोस्टली निगेटिव आस्पेक्ट पर हुई है कि हम फेयरफुल हो जाते हैं या ये हो जाता है तो हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ चूँकि माइंड का काम है ऐसे रिएक्शंस पे ऐसे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं मैं पॉजिटिव सेंस में भी जानना चाहता हूँ क्या पॉजिटिव एक्टिविटीज से भी हम अपने आप को कुछ हील करते हैं yes, या yes, या yes, कुछ, so, इसमें मैं एक uh, Uh, बहुत इंपॉर्टेंट हारमोन है आप, आ, आ, आपको तो शायद मालूम होगा जब आ, वेन अ मदर हैज अ बेबी कौन सा हारमोन सिक्रेट होता है ऑक्सीटोसिन तो ऑक्सीटोसिन के ऊपर ना बहुत सारा रिसर्च किया गया है रिसेंटली काफी रिसर्च किया गया है द मदर सिक्रीट दैट मिल्क बिकॉज ऑफ ऑक्सीटो ऑक्सीटोसिन प्रोपेल्स ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन स्ट्रेस के समय भी पाया गया है सो बॉडी तो ऑक्सीटोसिन का फंक्शन स्टडी करने की कोशिश की इन डिफरेंट डिफरेंट वेज सो ऑक्सीटोसिन इज अमोन विच इज सिक्रेटेड वैन यू कनेक्ट टू समन जब आप किसी से कनेक्शन पाते हैं एक प्रेम होता है सिर्फ मदर का जो है ना प्रेम इज लाइक अनकंडीशनल वो बेबी के साथ जो कनेक्ट होता है तो जब आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं ऑटोमेटिकली ऑक्सीटोसिन विल बी सिक्रेटेड एंड विल बी प्रोपेल्ट आउट इनफैक्ट एनिमल इस में इंजेक्ट ऑल दीज हारमोन्स टू गेट मोर एंड मोर मिल्क आर्टिफिशियली well, इंजेक्ट करते हैं ना आपका जो प्रश्न है कि पॉजिटिविटी के लिए भी ऐसे हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर मैं मेरा जो वैदिक अंडरस्टैंडिंग और उसको मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब आप जो हायर कॉन्शियसनेस की जो हम बात कर रहे थे जब उस स्त्रोत को उस इवेंचुअल जो सोर्स है उससे जब आप कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पूरे शरीर में मन बेसिकली इट स्टार्ट्स विद योर माइंड देर आर मेनी चेंजेस विपन

अगर मैं अभी आपको बोलता हूँ कि आप ऐसे ही बैठे रहो आप पॉडकास्ट के अंदर भी ध्यान मत तो जस्ट सिट अभी आप जब पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आपका एक कुछ पर्टिकुलर नेटवर्क काम करता है जिसे हम टास्क पॉजिटिव नेटवर्क कहते हैं टी टास्क पॉजिटिव नेटवर्क अच्छा। तो आपका पूरा जो है मुझे सुनने में इनको सुनने में जहाँ कहीं भी आपका ध्यान है कैरम खेलने में वो पूरा फोकस वहाँ पर है अगर मैं आपको कहता हूँ कि पॉडकास्ट खत्म हो गया अभी आप जस्ट एक रूम में आके बैठ जाओ तो आप इट इज कॉल्ड ए रूमिनेशन आप अपने कह सकते हैं डी ड्रीम कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं तो आपका एक अलग नेटवर्क एक्टिवेट होगा जिसे हम कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क डिफॉल्ट इज बाई डिफ़ॉल्ट डिफॉल्ट मोड तो ये जो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है इसके ऊपर लास्ट टेन टू फिफ्टीन ईयर्स में बहुत सारी स्टडीज की गई हैं दैट इज़ वेयर आई गॉटन टू माई रिसर्च ऑफ मेडिटेशन एंड डिफॉल्ट मोड नेटवर्क तो उसमें यह पाया गया कि जो बुद्धिस्ट मंगस थे जो पहले की स्टडीज थी ट्वेंटी ट्वेंटी ईयर्स जो मेडिटेशन करते थे उनका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क देखा गया और जो व्यक्ति मेडिटेट कभी नहीं करता था उनका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क किया गया और उनको स्टडी किया गया कि क्या डिफरेंस है तो जो मेडिटेट करते थे उनके उन, उन, उन उनका कैसे ये डीएमएन एम एन निकला डिफॉल्ट मोड नेटवर्क तो डिफरेंस वाज फाउंड इन देम द डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में कई सारे जो एरियाज थे जो कांस्टेंट थॉट्स कांस्टेंट स्ट्रेस और इरिटेशन प्रोड्यूस करते थे वो सप्रेस हो गए लेकिन उन ये आ, जो करंट में कुछ बुद्धिस्ट मांग पे स्टडी है कि कैसे पुराने पुराने वालों पुराने तो मिलेंगे इसमें yeah. so, uh, so, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट हाँ. पार्ट है कि आप एक दिन पच्चीस नहीं नहीं, yeah. हाँ, हाँ, हाँ। <laughs> ना, हम भी जानते हैं अगर आप में, आपको मैं कह आपने कभी ध्यान नहीं किया बैठ के ध्यान होगा ही नहीं माइंड ओवरवर्क करेगा तो ये प्रैक्टिस से आता है धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आता है तो इसलिए उन्होंने अभी बहुत सारे और भी स्टडीज हुए हमारी जो रिसर्च की थी हमने तीन महीने में की थी तीन महीने के अंदर पहले और बाद में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क देखा था

और पहले और बाद में लाइक एनी रिसर्च इज डन शक्ति प्रवाह में कुछ इंजेक्ट किया गया नो 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 शक्ति प्रवाह इज अ स्पिरिचुअल अचुअल प्रोसेसिकली स्पिरिचुअल प्रोसेस ध्यान की तरह आप समझिए उसको उसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे डीप मेडिटेटिव एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस है वो एक स्पिरिचुअल प्रोसेस की तरह हम देखेंगे और साथ में कुछ मेडिटेशन भी कराए थे एवरी डे और एक कंट्रोल ग्रुप रखा था बिकॉज एनी रिसर्च हमारा आयर अप्रूवल में आता है कंट्रोल ग्रुप भी रखा था कंट्रोल ग्रुप से भी हमने कुछ काम करवाया था अदरवाइज दे वर नॉट गोइंग टू वैलडेटेड रिसर्च सो उनको हमने एक टास्क दिया था एक्सरसाइज करना और इनको हमने मेडिटेशन कहा था और तीन महीने के बाद एफ एम आर आए बिफोर आफ्टर देखा उनका न्यूरोसाइकोलॉजी बिफोर आफ्टर देखा न्यूरोसाइकोलॉजी में बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो आपको क्लियरली बताते हैं आपकी स्ट्रेस लेवल एंगजाइटी लेवल आपके काग्नेशन काग्नेशन इज अ वेरी बिग फील्ड इन न्यूरोसाइकोलॉजी तो आपका कॉग्नेशन कैसे इम्प्रूव हो सकता है तो ये सब उसमें देखा गया और स्पेक्ट स्पेक्बेंड प्रोफ्यूशन तो जो हमारे स्टडी में हमने पाया डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जिन्होंने शक्ति प्रवाह रिसीव किया उनके एक एरिया है ब्रेन का कॉल प्री क्यूनियस अच्छा प्री क्यूनियस तो प्री क्यूनियस हमें भी मालूम नहीं था सी ऑल दिस इज अ न्यू रिसर्च इन वर्ल्ड ओवर ये सब बहुत सारी स्टडीज नए नए आ रहे हैं अभी तो प्री क्यूनियस जब हमने देखा कि इसमें ये हमने डेटा भी खुद एनालाइज दिया इज़ इन बैंगलोर बिकॉज बैंगलोर हैज़ फुल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू स्टडी ब्रेन के ये डिफॉल्ट मोड नेटवर्क का क्योंकि तो उसको स्टडी करने के लिए भी एक एक्सपर्टीज लगती है तो जनरली आईआईटी स्टूडेंट्स वगैरह जो इस फील्ड में वो लोग करते हैं अभी तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आ गए हैं बट उस समय नहीं था ऐसा तो उन्होंने ये प्री क्यूनियस का एरिया जब हमने रिसर्च किया जो पहले आर्टिकल्स ने पब्लिश किया था ये एक इमोशनल हब है जो बहुत सारे अलग अलग डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को कनेक्ट करता है तो इसमें हमने पाया कि एक्टिवेशन इसका बढ़ गया और उसको एक दो साल पहले

जो उसका जो पॉइंट है जो लोकेशन है वो प्री क्यूनिवर्स में पाया गया तो और जो जिन्होंने शक्ति प्रभा साइकोलॉजिकली हमने देखा तो उनका जो स्टेट था सकारात्मक रहना हमेशा पॉजिटिविटी में रहना चैलेंजेस को फेस करने की क्षमता मिली और यू नो सी प्रॉब्लम्स लाइफ में आते ही हैं हर एक व्यक्ति में आते हैं तो उन्होंने देखा कि कुछ तो एक स्ट्रेंथ मिलता है दो दु, दूसरों को समझने की स्ट्रेंथ मिली कॉग्नेटिव पावर बहुत बड़ा, तो उनके कुछ गेम्स रहते थे न्यूरोसाइकोलॉजी में क्लियरली बिफोर आफ्टर जो कॉग्निटिव स्कोर्स से वो बढ़ गए थे उसके अंदर तो ये मैं मेरी स्टडी बता रहा हूँ कि मैं इसका प्राइमरी ऑथर रहा हूँ बट ऐसे बहुत सारे अभी रिसर्च पेपर्स आए हैं जिसमें मेडिटेशन uh, और स्पिरिचुअल प्रोसेस के द्वारा आपके माइंड के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को आप चेंज कर सकते हैं जिससे बॉडी इफेक्ट होती है जिससे बॉडी इफेक्ट होती है तो कोई माइंड का पहले तो हमने ये हम सब ने एग्री किया कि माइंड डायरेक्टली कनेक्ट लाइक योर बॉडी राइट तो वो आपका माइंड का जो आपका क्वेश्चन था कि माइंड के अंदर अगर पॉजिटिव चेंजेस हम डालते हैं मेडिटेशन के द्वारा थॉट्स के द्वारा एफॉर्मेश्स के द्वारा एफॉर्मेश्स ऑल्सो वर्क इन द सेम वे जब हम पॉजिटिव एफॉमेशन कहते हैं तो वो उसी तरह इफेक्ट करता है बेसिकली आप अपने माइंड को डायरेक्ट कर रहे है, अच्छी हैं अच्छी चीजों की पॉजिटिविटी की तरफ तो ऑटोमेटिकली फिर आपकी बॉडी भी उसी तरह से अलाइन होगी बट यहाँ पर यही है कि आप अगर पॉजिटिविटी अपने जीवन में बढ़ाते हैं किसी भी तरीके से तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन के फंक्शंस चेंज होते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शिज़ोफ्रेनिया, अल्जाइमज डिजीज और बहुत सारे ड्रग अटेक्स उनके ऊपर भी स्टडी किया गया है और उनका पूरा जो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क का पूरा कनेक्टिविटी डिफरेंट है तो इसको कहते हैं ब्रेन रिवायरिंग हाउ टू रिवायर योर ब्रेन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और डूरोप्लास्टिसिटी ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हो, हो कि आपके ब्रेन का कोई दूसरा हिस्सा जो काम नहीं करता था वो अब काम करने लग जाएगा जैसा कि अभी इन्होंने कहा कॉपोसकेलोजेक्टम ये बहुत कॉमनली एक आ, सर्जरी करते हैं एपिलेप्टिक फोकस जहाँ पर है क्योंकि वो एपिलेप्टिक जिनेसिस दूसरे एरिया में जाके प्रोड्यूस करता है तो उसको काट देते हैं ताकि ये कनेक्शन कॉर्पसकेलोजम इज अ फाइबर विच कनेक्ट राइट एंड लेफ्ट ब्रेन तो उसको काट देते हैं तो फैलता नहीं है तो वैसे ही तो अगर क्या, क्या, मुझे मतलब मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ मुझे जानना है ये लेफ्ट एंड राइट ब्रेन क्या नहीं फैल रहा है और दोनों जो पार्ट है वो क्या ये खाली एपिलेप्सी के लिए है एपिलेप्सी का जो मिर्गी जिसे कहते हैं हाँ, हाँ, सीजर्स कहते हैं हाँ, सीजर्स, हाँ, सीजर्स कहते है। तो सीजर्स का एक फोकस होता है तो वो फोकस जो है अगर आपका एक साइड का ब्रेन डैमेज हो गया किसी भी कारण से हो गया इन्फेक्शन हो गया ब्लड ब्रे, सप्लाई कम हो गया या फिर ब्रेन का कुछ इन्फेक्शन हो गया वो डैमेज हो गया उस हिस्से को आपको निकालना नहीं है क्योंकि वो हिस्से में और भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और ई जी इलेक्ट्रॉइनकेफेलोग्राफी के द्वारा ये मालूम पड़ता है कि वहां से फोकस निकल के आपके दूसरे हेमोस्फेयर में जाके फिर फिट्स दे रहा है अच्छा। क्योंकि उसका ओरिजिन यहाँ पे हो रहा है क्योंकि वो डैमेज ब्रेन है जो डैमेज हो गया तो उसमें सेल्स एबनॉर्मल हो गए तो वो फिट्स क्रिएट करते हैं तो जब कॉर्पस के को हम काट देते हैं तो फिर वो फिट का जो फोकस से जो फिट आ रहा है दूसरे ब्रेन में नहीं जाएंगे तो फिट फिट बंद हो जाती है अच्छा ये तो काटना सोल्यूशन है उसका ये एक सोल्यूशन है एक्चुअली हम इससे हो रहे हैं इस पे इस पे जो जो मेरा जो समझाने का ये था कि हमारे ब्रेन ब्रेन में बहुत सारी क्षमता है अपने हाँ, आप को करने, हाँ, करने, करने हम मैत्री बोध पे फिर और भी चर्चा करेंगे शक्ति प्रवाह पे आपको इस पे अंकित जी कुछ ऐड हाँ, दो पॉइंट मतलब सर वाला एक तो डबल क्लिक करेंगे डबल क्लिक करेंगे कि सर वाला पॉइंट वाकई में ऑक्सीटोसिन बहुत ही मतलब कि जिस तरीके से हाँ ऑक्सीटोसिन पे भी मुझे पूछना है ये मेल्स कर सकते हैं <laughs> हर एक मतलब हाँ हा, अच्छा, हा, जी ये पॉइंट है लेकिन जिस तरीके से टेस्टोस्टेरोन ऐसा नहीं है कि केवल मेल में होता है फीमेल में भी होता है और वो टेस्टोस्टेरोन केवल और केवल आपको स्पर्म नहीं मतलब बॉडी में क्या क्या नहीं है जो कि टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है उसी तरीके से ऑक्सीटोसिन भी बॉडी में क्या क्या नहीं कराता है तो दो बड़े बड़े इंटरेस्टिंग है दो प्राइमरी जो मैं समझता हूँ कि एक ये वाला कि बच्चे को भी बाहर निकालना हो तो भी आगस... बाहर निकालने के लिए भी प्रोपेल करने के लिए भी ऑक्सीटोसिन अच्छा, चाहिए हाँ, और हाँ, मिल्क को भी बाहर प्रोपेल करने के लिए ऑक्सीटोसिन मतलब बच्चे से ही जुड़ा है दोनों चीजें मतलब कि कॉन्ट्रेक्शन से जुड़ा है बेसिकली तो कि मेक... अगर मैकेनिक्स मैकेनिक्स देखें देखें तो ज़्यादा उसका रिलेशनशिप आएगा दूसरा आपने जो शुरुआत ही की थी वो शब्द था पॉजिटिव स्ट्रेस से रिलेटेड कि किस तरीके से जो न्यूरोसाइकोट्री की भी अगर मैं बात करूँ मीबीएसएम न्यूरोसाइकोट्री के अंदर में जाते हैं लोग तो वहाँ पर भी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर वहाँ पर जो बात हो रही है वो पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेस में भी

फियर बहुत ही देर तक परसिस्ट करने लगे आपको तब और बॉडी के हॉर्मोन्स जो कि इतने लंबे समय तक एलिवेटेड अवस्था में नहीं रहने चाहिए थे और उसी अवस्था में रह रहे हैं जो कि फिर आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग यहाँ तक कि इम्यून के सिस्टम के साथ भी खिलवाड़ करेगी आपने हमेशा अपनी क्लास में एक ऐसी बच्ची ऐसा बच्चा देखा होगा जो पेपर के समय में बीमार बीमार पड़ता है <laughs> तो उसका एक अगर कई सारे एक्सप्लैनशन उसमें से एक एक्सप्लेशन ये है कि किस तरीके से कि कॉटिसोल जो है वो आपका स्ट्रेस में बढ़ाई रखा है बहुत ज़्यादा बहुत सगले लेवल पर बढ़ रहा है बॉडी ने इतनी ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट कर दी है कि वो इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है तो वो व्यक्ति अब प्रोन है किसी भी इन्फेक्शन के लिए और अब ये जो है व्यक्ति बीमार जो है पड़ जाएगा तो ट्रू uh, मतलब कि uh, uh, तो पॉजिटिव स्ट्रेस के न्यूरोसाइकट्री के पूरे वर्ल्ड के अंदर में हम उसका इस्तेमाल करते हैं कि हाँ ये अल्टीमेटली अगर आपको फ़ायदा दे रहा है जीवन जीने के लिए तो इसको पॉजिटिव स्ट्रेस बोल देते हैं जो हमें नहीं चाहिए वो नेगेटिव स्ट्रेस की उसमें चला जाता है इस इस सेशन को एक लास्ट क्वेश्चन से समाप्त करूँगा उसके बाद हम अपना गेम कंप्लीट करेंगे एक कॉफी ब्रेक लेंगे मेरा चूंकि हम पॉजिटिव माइंड सेट की बात कर रहे हैं कि माइंड में जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उससे हम बॉडी कनेक्टेड है बॉडी में हम बहुत से चेंजेस कर सकते हैं जिस पर आपकी रिसर्च भी चल रही है मुझे ये जानना है कि कभी कभी हम हम जो ये केसेस सुनते हैं कि किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट को बोला भाई अब तुम तीन महीने छः महीने या साल भर के मेहमान हो अब मतलब या तो डायरेक्ट नहीं बताया या उनके फैमिली मेम्बर को बता दिया है कि भाई इनकी अब ये चाहे वो कोई भी कैंसर हो या कोई भी टर्मिनल डिसीज़ है मुझे ये जानना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो पेशेंट आउटलिव कर जाता है दस साल एक्स्ट्रा जी गया पंद्रह साल एक्स्ट्रा जी गया पाँच साल एक्स्ट्रा जी गया तो वो क्या साइंटिफिक फेलियर है ऑन द पार्ट ऑफ डॉक्टर या उनका पास्ट एक्सपीरियंस अभी इतने आ, हम अच्छे से ऑब्ज मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते या फिर सच में उस 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 व्यक्ति का जो सब्जेक्टिव या फिर जो उसके माइंड के आ, अपने एक्सपीरियंस हैं या उसके जो माइंड की स्थिति है उससे उसने ओवरकम किया है उस अपनी डेथ को इसके लिए दो खास शब्द एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं एक है प्लेसिबो और एक नोसिब पॉजिटिव हाँ। में भी और नेगेटिव में भी अच्छा uh, कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ कि रास्ते पर जो पानी का छिड़काव करते हैं ना ताकि धूल बैठ जाए हाँ हाँ। तो धूल दो औरतों के ऊपर पड़ा और वो लिटरली उनको स्किन रैशेज आ गए और वो भागते हुए डॉक्टर के पास गई डॉक्टर वो जो केमिकल फेंक रहा था हम पे कोई और वो, वो हमको तो, स्किन रैशेज हो गए पानी था तो कि लिटरली हम बिल्कुल ये नहीं बोल सकते कि भैया नहीं मैं ऐसे बैठूंगा और अपना ये जो कैटर एक्ट है ना अभी सही करके दिखाता हूँ ठीक है वो एक्सट्रीम हो गया नेक्स्ट ठीक है लेकिन अगर हमें इस, इस तरफ आऊँ तो ब्रेन हम बचपन से बच्चे को सिखाते हैं ना कि कितनी कहानियाँ फेमस हैं कि शायद आइंस्टीन के बारे में है या किसी के बारे में कि, में कि मा जब उसको स्कूल से निकाल दिया गया तो माँ ने ये नहीं कहा कि बेटा तुम पढ़ने में बिल्कुल अच्छे नहीं हो गया उसने उसको पॉजिटिव वे में उसको स्पिन ऑफ दिया कि नहीं बेटा तुम अच्छे हो ये बच्चे के थोड़ा तुम्हारे साथ पढ़ तो उसके अंदर में दोनों ही चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं ब्रेन के ब्रेन के पास क्योंकि जितने भी हम ड्रग ट्रायल्स देखते हैं उसके अंदर में अगर आप देखें जो फर्स्ट ट्रायल सेकेंड ट्रायल जो दस दस बारह बारह साल चलते हैं अगर मान लें कि इतना सिंपल सा अगर ट्रायल चल रहा है कि पेन किलर को लेकर के चल रहा है उसमें आपको हमेशा एक अच्छा खासा अ, के के मतलब के को भी नहीं पता है, को क्या दवा दी जा रही है। और पेशेंट को भी नहीं पता है कि उसको शुगर पिल दी जा रही। दो लोग अंधे हैं कि दोनों लोगों को नहीं पता बाद में जो व्यक्ति देखेगा देखेगा ना तो डॉक्टर ना तो पेशेंट को पता है कि इसको दवाई मिली है क्या नाम है चूरन मतलब चीनी मिली है या फिर डॉक्टर को भी नहीं पता है

दर्द जो है 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 वो कम हुआ है हुआ कि नहीं और वो है तो उसमें काफी सारी चीजें आती है ना हाँ, तो बढ़ती बढ़ती कि कि जिंदगी में भी हम देखते हैं नो डाउट लेकिन वही है कि एक्सट्रीम नहीं बन सकते हम किसी भी चीज को लेकर जो हम देखेंगे जैसे कंसिस्टेंसी की बात होती है कि हम बीस पच्चीस साल डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि जो आप बता रहे हैं डिफॉल्ट नेटवर्क हाँ तो वो वो डेफिनेटली सही ही होगा जो जो 20-25 साल उस तरह के exactly. के साथ है। इसका ना मैं आपने जो प्रश्न किया था अबाउट uh, कुछ लोग जी लेते हैं आफ्टर नोइंग हाँ। uh, के नोइंग साल तो उसकी ना बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं तो सबसे पहले इन साइंस को मैं खुद मेडिकल डॉक्टर हूँ तो कोई भी डॉक्टर अगर कुछ बताता है वो परसेंटेज हिस्टोपेथोलॉजी so मतलब hmm. के, hmm. तो के लिए प्रूव हुआ है तो प्रोबेबिलिटी hmm. मालूम पड़ा कि सिर्फ ट्वेंटी परसेंट सर्वाइव करेंगे तो वो बता देता है उसकी जिम्मेदारी बनती है साइंटिफिक रिसर्च hmm. ऐसे ही होता है राइट right? hmm. hmm. इसमें ना बहुत सारी चीजें हम खुद देखते आए हैं बहुत सारे मतलब ट्वेंटी ईयर्स हो गए मैं तो को देखते आया हूँ तो इसमें एक दो चीज़ें ये भी हो सकती है कि शायद वो जो हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट है उसमें कुछ गलती हो वो ग्रेड फोर कैंसर ना हो के कुछ और हो हाँ क्योंकि मेरे एक रिलेटिव के साथ ही हुआ था तो उनकी डायग्नोसिस जो है कुछ और थी क्योंकि जैसा हम जानते हैं साइंस इज रियली रियली ग्रोइंग वेरी फास्ट तो उसमें जो ट्यूमर का टाइप था वो अलग ट्यूमर टाइप जेनेटिकली आजकल ट्यूमर को टेस्ट किया जाता है तो जेनेटिक मेक में वो इतना एग्रेसिव नहीं था जो उस समय सोचा जाया था जाता था तो ये भी हो सकता है कि कुछ साइंटिफिकली गलती हो उसके अंदर तो ये एक मानना बहुत इंपॉर्टेंट है राइट और दूसरा पार्ट जो है जो हम ऑलरेडी मान रहे हैं तीनों लोग के एक पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि खुद की क्षमता और आ, खुद की एक मैं अगेन ये एक्सट्रीम में नहीं जाऊँगा कि आप आ, अपने आप को जो 80 ईयर का व्यक्ति 20 ईयर का दिखने लगेगा ओवरनाइट hmm. वो हो ही नहीं सकता है या विन इवन आफ्टर 15 ईयर्स की मेडिटेशन के बाद वो होगा इट्स अ सेल डिजेनरेशन इज अ नॉर्मल प्रोसेस राइट तो ये हो ये वैसा होता है बट कुछ चीज़ें जो है हम अपने आप को अपनी ब्रेन के लाइक थिंकिंग प्रोसेस से पावर से hmm. uh, एक्चुअली बहुत लोग इसके ऊपर फिलोसफिकली हम डिस्कस कर सकते हैं यू कैन हील योर सेल्फ राइट हीलिंग योर सेल्फ के ऊपर लुई है कि बहुत फेमस बुक है बहुत सारे लोग लिखते हैं इसके अंदर तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करता भी है इनफैक्ट मैं यहाँ तक कहूँगा कि सी एक्सट्रीम मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि एक्सट्रीम नहीं होता है बट ये बहुत हेल्प करता है लॉन्जिविटी के लिए कोई भी व्यक्ति में अगर कोई भी सीरियस इलनेस हो जाता है कैंसर हो जाता है या कोई एकदम सीवियर इलनेसेस हो जाती है उस समय डॉक्टर हमेशा यही कहता है आप हम सब जानते हैं कि आपका इनर स्ट्रेंथ स्ट्रांग होना चाहिए तो आप उतना समय और जीवित रह पाएंगे कि कोविड के अंदर बहुत सारे सारे लोग की जो डेथ हुई थी वो कोविड की फियर से ज़्यादा हुई थी ना कि कोविड एक्चुअली से बिकॉज वेन फियर कम्स कि कोविड बाप बापरे कोविड हो गया तो इमीजिएटली आपके हारमोनल लेवल्स एक फियर क्रिएट्स मेनी हारमोन्स कॉटेसोल जब से होता है तो आपकी इम्यूनिटी और कम होती है नॉट डायरेक्टली बाय कोविड बट कोविड के कारण कॉम्प्लीकेशन होते थे mm -hmm. और बैक्टीरिया yeah. so बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड uh, समझने वाली बात है कि आप अपने आप को पॉजिटिविटी और एक इनर स्ट्रेंथ के लिए हमेशा यू नो मेक यूर सेल्फ स्ट्रॉन्ग और इसमें मेरा यही जहाँ पर रिसर्च और मेरा जो मेन फोकस है कि कैसे अपने आप को आप सक्षम बना सकते हैं इंस्पेक्ट ऑफ बींग बहुत इजिली स्पिरिचुअलिटी के थ्रू तो हो सकता है hmm. उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने आप को एफर्स तो उस सर वाली बात कोई मैं वो सेकेंड कर रहा हूँ कि किस तरीके से कि अगर आप देखें तो आपने जो एग्ज़ाम्पल लिया वो एक सर्वाइवरशिप का भी एग्जाम्पल है कैसे कि उस डॉक्टर ने अपने जीवन काल में हर जो भी कैंसर के जो मरीज़ आए थे उन सबको अपनी जानकारी और अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर बताया कि इस पर्टिकुलर कैंसर के अंदर में ये पर्टिकुलर संभावना रहती है जो कि सर ने पूरा मैथमेटिकली उसको बताया कि हाँ भाई बिल्कुल संभावना है क्योंकि ये बोल दिया डॉक्टर ने तो वो वचन नहीं बोल दिया है कि आप तो आप छः महीने के ही मेहमान हैं और हम जब डिस्कशन करने आएंगे तो भी तो यही होगा ना कि वो एक व्यक्ति जो कि आउटलायर था क्योंकि हम उसको हाँ। आउट प्रॉबिलिटी में भी देखेंगे तो आउटलायर है जबकि हम ये काम जो हो रहा वो, हाँ, हो है वो हाँ वो पॉपुलेशन के लेवल पर हो रहा है वो पॉपुलेशन और प्रॉबिलिटी के लेवल पर हो रहा है वो जो क्या नाम है आपका कर्व है ना बैलशेप कर्व वो आपका नॉर्मल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही दिखाएगा उसके अंदर में डॉक्टर ने बोला है कि छः महीना तो जब उसकी ज़िंदगी के पाँच हज़ार पेशेंट्स का आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन खींचेंगे ना तो वो बिल्कुल बढ़िया से करवा हाँ, कर मतलब अगर तो अगर स्टेटमेंट में ही प्रोबेबिलिटी है डॉक्टर के तो, तो फिर नहीं। वो वो नहीं। तो शो करेगी इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे एक कॉफी ब्रेक लेंगे और गेम को कम्प्लीट करेंगे अरे बहुत अच्छा शॉर्ट अरे भाई आज मैंने ना अपने नेल्स कट कर लिए हैं हल्के से तो वो से पा रहा है। <laughs> आ, नहीं मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा है मैं लालच तो कर लेता हूँ थोड़ी <laughs> <laughs> लालच बुरी बला है इंस्टेंट कर्मा <laughs> <laughs> इंस्टेंट कर्मा कर्मा पे आ गए आप <laughs> <laughs> मैं वही कह रहा हूँ ना कि हम अपनी लैंग्वेज को ही थोड़ा सा देंगे तो कुछ चीज़ें <laughs> आहा नाईस। अरे नाइस संभावना कम है वैसे भी बट लेट्स सी वाह वाह चलो इसमें ये इसमें सब खुश हो जाते हैं क्योंकि गेम इससे अब लगता है कि समाप्त हो जाएगा बहुत तो <laughs> सबसे सबसे कर... अभी आपको पार्टी देनी पड़ेगी मुझे मुझे इस टॉपिक <laughs> में कम नॉलेज ही है साथियों आप सभी का स्वागत है शिक्षण प्रेजेंट करता है आप सभी को एक बुक रिकमेंडेशन सेक्शन यहाँ पर चूँकि हमारे साथ लर्नर्स जुड़ते हैं एजुकेटर्स जुड़ते हैं स्कॉलर्स जुड़ते हैं थिंकर्स जुड़ते हैं हम कोशिश करते हैं कि जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हों वो जुड़ें और आप अगर इन सभी लोगों को देखेंगे तो इनकी इन सभी लोगों की ज़िंदगी में किताबें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बचपन से मुझे भी किताबें पसंद है कई एपिसोड्स में मैं आपको बता चुका हूँ तो एक सेक्शन हम डेडिकेट करते हैं अपनी किताबों को आ, मुझे लगता है किताबों से बेहतर आपको कोई साथी नहीं है इसलिए मैं चाहूँगा जो हम मेरे दोनों गेस्ट आए हैं अपने मन की एक दो किताबें आपको बताएं जिससे कि आप और भी इस सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट्स पर या और भी जो जिन किताबों को आप बताएंगे उसको पढ़ के और भी नॉलेजबल आप बन सकते हैं क्योंकि हमने आज थोड़ा सा ब्रेन के रेलम से या माइंड के रेलम से हमने वाबस्ता रहे तो मैं उसके अंदर में तीन लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा और ये शुरुआत के लिए बहुत अच्छे हैं शुरुआत हाँ। के इन द सेंस के पॉपुलर साइंस में की दुनिया में इनका बहुत बड़ा नाम रहेगा तो वी एस रामाचंद्र हो ब्रेन की उनकी जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं नेशनल जोग्राफिक की उनकी किताबें हैं पढ़ ली जाएगा फैंटम लिम सिंड्रोम अगर आपने कभी किसी ने सुना हो फैंटम फैंटम लिम सिंड्रोम मतलब कि आपके पास एक व्यक्ति आया है और बोल रहा है सर मेरे हाथ में दर्द हो रहा है और व्यक्ति का हाथ ही नहीं है तो फैंटम लिम सिंड्रोम तो उन्होंने इसका फैंटम तो उन्होंने

बहुत बहुत बेहतरीन है और पॉपुलर साइंस के नज़रिए से बहुत ज़्यादा बेहतरीन है ओलिवर सैक्स जिनका काम द मैन हु इसके अंदर मैंने जिसको भी खुराफाती केस स्टडीज़ के अंदर में इंटरेस्ट हो कि एक इंसान जो कि अपनी हैट को अपनी बीवी समझता है या अपनी हाँ, हाँ। जूते को अपना पैर समझता है हाँ, ये इस तरीके के जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स खतरनाक केसेस होते हैं ना हाँ। वो ऑलिवर सेक्स की जितनी किताबें हाँ। आपको उसमें भर भर के मिलेगा हाँ। तुम तो द मैन हो सारे आपको सेक्स का हाँ। इस तरीके की किताबें किताबे तो बहुत मजा बहुत, बहुत आएगा आपको पढ़ने के लिए तो ये तीन ऑथर वी एस रामाचंद्र डैनियल डेनेट और सेक्स जनता जनार्दन अच्छा। तो आप मुझसे बात कर सकते हैं आ, दो तीन बुक्स में रिकमेंड करूंगा क्योंकि मैंने जो मेरा खुद वेदांत का अध्ययन किया था तो उसमें जो है मेन फोकस था तो उपनिषद भी बहुत सारे हैं तो उसमें एक केन उपनिषद है छोटी सी बुक है और एक कठोपनिषद है कठोपनिषद की तो बहुत फेमस कहानी है जो नचिकेत और यमा इनके दोनों की बीच की कहानी कहानियों के द्वारा बहुत, बहुत बड़ा हमें ज्ञान मिलता है उसके अंदर अगर टाइम नहीं है ये दो बुक पढ़ने के लिए क्योंकि उसका जो समझने के लिए आपको एक गुरु लगेगा जो ऑलरेडी उसे अनुभव करना होगा आइडियली तो भगवद्गीता एक ऐसी किताब है जो बहुत प्रैक्टिकली हेल्प करती है क्योंकि गीता में मेरी शुरुआत ही वहाँ से हुई थी जो, जो जर्नी स्पिरिचुअलिटी की तो उसमें काफ़ी सारे एक्चुअल कुछ श्लोक जो हैं सीधे उपनिषद से लिए गए हैं और वो उस समय के लिए जो है वो आज भी बिल्कुल वैसे के वैसे आज भी एप्लीकेबल है तो ये बुक्स में जो वैदिक जो फिलॉसफी जानना चाहते हैं उनके लिए है और प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में कर्म को रिलेटेड आपके जो दुख दर्द हैं सफरिंग हो रही है आपके जो इमोशनल प्रॉब्लम्स है जो बहुत घरों में हो रहे हैं क्लेश में बच गया है फाइट्स हो रही हैं तो उसके लिए मैं मेरे जो मेंटर और गाइड मैत्री दादाश्री जी की बुक है कॉज ऑफ सफरिंग इज लैक ऑफ लव कॉज ऑफ सफरिंग इज लैक ऑफ लव वो बहुत हाईली रिकमेंड करूंगा क्योंकि उन्होंने बहुत प्रैक्टिकली आप कि जीवन में कैसे आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं सिर्फ ईश्वर के प्रेम को या फिर इवन समाज में अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो कैसे बदलाव लेके आ सकते हैं और ये पूरा यूनाइट करेगा पूरे वर्ल्ड को जो हुँ, प्रेम हुँ, है वही एक शक्ति है एक पावर है जो पूरे वर्ल्ड को यूनाइट करेगा तो ये दो बुक में रिकमेंड करूँगा जैसे कि सर ने रिकमेंड किया केन उपनिषद कट तो उपनिषद भगवदगीता हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि ये उपनिषदों का सर उपनिषदों से ही वेदांत की धारा निकली है और प्रैक्टिकल आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जैसे आप भी ऑथर रहे हैं और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जो आपकी बिकमिंग लव बुक है तो वो भी वेदांत को कैसे जैसे मुझे लग रहा है लास्ट टाइम किसी ने अगर ट्राई किया है तो स्वामी विवेकानंद रहे मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है बीच में कौन कौन से और ऑथर्स हुए लेकिन मुझे ऐसा लगता है स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत को प्रैक्टिकल बनाने के लिए बहुत बहुत काम किया है क्योंकि फिलासफ़ी का तब तक कोई यूज़ नहीं है जब तक हम समाज में या अपने जीवन में कोई बदलाव ला पाएँ तो अगर आपको वेदांत का और भी और चूंकि आप आ, आ, मेडिकल स्टूडेंट हैं आप न्यूरो साइंटिस्ट हैं न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट हैं तो उस सेंस में जो आपने बिकमिंग लव लिखी है जो वेदांत को आपने प्रैक्टिकल आ, आस्पेक्ट में बताया है तो मित्रसुत नाम एक और है उससे बिकमिंग लव बुक है आप वो देख सकते हैं बाकी मैंने जैसे आपको बताया था अगर आपको कॉन्शियसनेस समझनी है या उस पर डिबेट देखनी है या उस पर पैराडॉक्सेज या उस पर जो भी पूरा काम हुआ है तो जैसे कि पहले मैंने बताया था रोजर पेंड्रोस की आप द इंपरस न्यू माइंड है नहीं तो डेविड चामर्स हैं इस फील्ड में बहुत आगे काम किए हैं उनकी एक बुक आई है रियलिटी प्लस तो रियलिटी प्लस भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपको सबसे अच्छी बात यह है उस बुक की कि उन्होंने जैसे मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या होता है जो वेस्टर्न फिलोसफर्स होते हैं वेस्टर्न साइंटिस्ट होते हैं उनका एक थॉट प्रोसेस है उसमें रहते हैं ईस्टर्न फिलोसफी को बहुत कम एक्सप्लोर करते हैं या अगर करते भी हैं तो मोस्टली बुद्धिज़म को कर लेंगे या टाउजम को कर लेंगे बट डेविड चामस एक ऐसे अभी करंट एक ऐसे फिलोसोफर है जिन्होंने वेस्टर्न फिलोसफी जो भी साइंटिफिक एडवांसमेंट है न्यूरो साइंस में साथ में ईस्टर्न फिलोसफी में भी हर एक चाहे वो जैपनीज़ हो चाइनीज हो इंडिया में भी हर एक चाहे वो सांख्य हो वेदांत हो पौराणिक फ़िलासफ़ी हो रामायण की फिलोसफी हो ना नारद जी का अगर संवाद है इनफैक्ट आप वैशेषिक न्याय को भी उन्होंने कवर किया है उसमें तो वो जो पूरा एक प्लेट पे आपको आता है वो बहुत अच्छा हो जाता है तो रियलिटी प्लस में रिकमेंड करूँगा डेविड चामस की जिन्होंने हार्ट प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस जैसे टर्म्स को आगे लाया है तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे रिकमेंडेशन इस सेक्शन में मिले होंगे आप इन बुक्स को पढ़ेंगे तो कॉन्शियसनेस को समझने में फ़िलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उपनिषदों के माध्यम से साथ में अंकित जी ने जो पुस्तकें बताईं उसके माध्यम से आप बायोलॉजी को और कॉन्शियसनेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे तो अब पार्टिंग टाइम आ गया है इसी के साथ हम लोग शो को यहाँ पर जैसे बोलते हैं ना बिज़नेस क्या बोलते हैं आईपीएल का वो बिज़नेस राउंड होता है ना कि अब एंड हो गया अब सेमीफाइनल फाइनल फाइनल होना है। तो इसमें हमारा एक पार्टिंग रिचुअल होता है चूँकि कैरम हमारी थीम है इसमें हम एक स्ट्राइकर पे आप दोनों के साइन लेते हैं सेम स्ट्राइकर पे हमें याद रहेगा एक पहलू आपका था एक पहलू आपका था जीवन में हर चीज़ के दो पहलू होते हैं और जब जितना साइंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है मुझे ऐसा लगता है साइंस इंपॉर्टेंट है लेकिन जब हम एक स्टेप आगे जाते हैं और सोचते हैं कि इसी जीवन में हम चीज़ें समझ लें तो हम कुछ फिलोसफिकल होने लगते हैं और मर के सबको जाना है ये सबसे बड़ी फिलोसफी है